Everybody wants to be a diamond, but very few can shine. ये डायमंड कहाँ से आ गया बीच में? अरे हम सीए एस्पिरेंट्स डायमंड्स ही तो होते हैं, उनसे कम थोड़ी हैं। और डायमंड पर रखने का काम किसका होता है? एक जौहरी का ना। ये सब तो ठीक है अनुष्का, बट मैंने सुना है कि डायमंड बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ तो हम सीए स्टूडेंट्स कम है क्या? डेली इतना ज्यादा पढ़ते हैं कि पढ़ते पढ़ते जवानी कब चले गई पता ही नहीं लगा। क्यों भाई, सही बात है या नहीं? हाँ अनुष्का, ये बात तो मेरे दिमाग में भी आई थी, बट जब मैंने ये बात अपने सर से पूछी थी तो उनका एक रिप्लाई ने मेरा दिल जीत लिया था। क्या तुम्हें जानना है वो बात? ऑफ कोर्स, हाँ यार बताओ, हमें और हमारी पूरी ऑडियंस को जानना है। क्यों भाई, जानना है या नहीं? उन्होंने कहा था, बेटा ये 5 साल पागलों की तरह मेहनत करनी पड़ती है, पागलों की तरह मेहनत करोगे तो ही रिकॉग्निशन मिलती है। मम्मी पापा ने तो तुम्हें खाली नाम दिया था, उस नाम के आगे सीए लगाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसके पीछे 10 तकलीफ आएगी, और तकलीफ नहीं आई तो सक्सेस स्टोरी क्या बनाओगे? बस इन्हीं लाइन सुनकर मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। वाओ, आउटस्टैंडिंग लाइंस, क्या कहा है कहने वाले ने। यू नो, अब हमारा कॉलेज तो होता नहीं है। हाँ हाँ पता है, हमारे टीचर्स ही मेंटर्स होते हैं जो थ्रू आउट द जर्नी हमें मोटिवेट और गाइड करते हैं। Yes, and you know what's the good news? कि ऐसे ही एक motivator आज हमारे बीच यहाँ present है। Oh wow, कौन है वो? अब मैं उनके बारे में क्या ही बताऊँ? एक CA, teacher, influencer, motivator, and most importantly एक शायर, जिनके हर एक शब्दों में है fire. But इन सबसे बढ़ के भी उनसे मुझे इतना अपनापन लगता है कि मुझे तो वो अपने बड़े भैया जैसे ही लगते हैं। वाह यार, इतने मल्टी टैलेंटेड कैसे हैं वो? और यहाँ दुनिया मान बैठी है कि सीए सिर्फ किताबों के बीच दबा रहता है। इनकी बात और सीए से अलग लग रही है। इसका पढ़ने के साथ साथ उनके लाइफ हर्डल्स भी क्रॉस करने में हेल्प करते हैं। एग्जैक्टली, इनफैक्ट तुम कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओपन कर लो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या ट्विटर, सर की वीडियोज हर जगह ट्रेंडिंग है। उनकी वीडियोज देखकर बंदा बिल्कुल एनर्जाइज हो जाता है। कौन है यार, बता दे। तो सुनो, तो सुनो, जिनके नाम में है जय, और वो हर सीए एस्पिरेंट की विजय का राज है, जो यहाँ हमारी इस टफ सीए जर्नी को आसान बनाने के लिए इतनी दूर पुणे से आए हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे अपने बिच्छू भैया सीए विजय सारदा सर का। A huge round of applause, guys! तालियां रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों, इतनी दूर से आए सर। I would now request a delightful, encouraging, tremendous, energizing, inspiring, and passionate chairperson, CA Rashmi Bangla ma'am, to please join the dais. I request CA Rashmi Bangla to please join the dais for our names. He is associated with two of the most esteemed bodies of the nation, a member of ICAI and a qualified company secretary. The most dynamic and dedicated faculty for CA Inter and CA Final Direct Tax. Known for romancing with taxation. He taught more than 10,000 students in CA Inter and CA Final in 2020 and 2021 and has created the dream batch with the highest strength of students that every faculty desires in the year 2022, and I'm sure it will remain the same until the time being. He has a teaching experience of more than 10 years, and in these joyful 10 years, he has taught over 1 lakh students and driven all of them towards achieving their aims.
He has also worked as a tax consultant for many big export and import companies. Give a big hand and welcome him with open hearts, the Vichu Bhaiya of CA industry, CA Vijay Sarda. तालियां बजनी बजते रहनी चाहिए. कंटिन्यू. विजय सर को लगना चाहिए कि छत्तीसगढ़ वासी उनके लिए बहुत आत्मीयता से स्वागत कर रहे हैं. मैं बताना चाहूंगा, विजय सर आपसे माफी लूंगा, आपका सेशन हम चालू करा रहे हैं लेकिन अभी सीएम हाउस से फोन आई है, मात्र 5 मिनट में मुख्यमंत्री जी निकल रहे हैं. आपका सेशन अभी रहेगा, उसके बाद हम सीएम साहब को सुनेंगे. वाइस प्रेसिडेंट सर भी हमारे उपस्थित हो चुके हैं. जैसे ही सीएम साहब आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट सर भी हमारे बीच यहाँ अंदर रहेंगे. सभी से रिक्वेस्ट है, डेकोरम मेंटेन रखिएगा. पुलिस सिक्योरिटी चारों तरफ है, सिस्टमेटिकली सब अच्छे से बैठे रहिए. बीच की अगर कोई कुर्सी खाली है तो प्लीज़ सामने आ जाइए, 2 मिनट के अंदर सब सामने आके सेटल डाउन हो जाइए. और नाश्ते का काउंटर, चाय का काउंटर बंद रहेगा अभी, तो कोई भी बच्चा, मेरी हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट है, सीएम सर आ रहे हैं, हमें एक एकता का हमें प्रदर्शन करना है, हमें डिसिप्लिन दिखाना है, हमें बताना है कि आज एक पढ़े लिखे बच्चे अगर बैठते हैं तो बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में सुनेंगे. जब भी हमारे कोई स्पीकर बोलेंगे, जो भी हमारे मंचस्व अतिथि बोलेंगे, तो हमें शांति से उन्हें सुनना है. हमें कोई हूटिंग नहीं करनी है, हमें कोई इस तरह की चीज नहीं करनी है जिससे ये लगे कि एक पढ़े लिखे बच्चे में और एक बाकी व्यक्ति में फर्क नहीं है. वी ऑल आर चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स. कैन आई ट्रस्ट यू ऑल? आई डिडंट हर्ड. कैन आई ट्रस्ट यू? बैल्कनी पीपल ऑल्सो, कैन आई ट्रस्ट यू? सबसे रिक्वेस्ट है, बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण ये हमारे लिए है. जज साहब उपस्थित हैं, वाइस प्रेसिडेंट सर उपस्थित हैं और हमारे विजय सारडा साहब भी हमारे बीच में उपस्थित हैं. आपके बीच और उनके बीच में थोड़ा सा हम विलंब ले रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा. आपको विजय सारडा सर के समय में मैं बिल्कुल कटौती नहीं करूँगा. अगर अभी हम उनका समय ले रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू. ओवर टू विजय सारडा सर. सर जब तक के विजय सर जब तक के सेशन चालू हो रहा है, आप प्लीज कंटिन्यू करें, एक शुरुआती चीजें करें एंड देन वी विल कंटिन्यू. प्लीज चालू सर करिए. आई नाउ रिक्वेस्ट सीए मोहित अग्रवाल टू ऑफर अ ब्लॉसमिंग रिसेप्शन टू अवर स्पीकर सीए विजय सारदा बाय प्रेजेंटिंग अ बुके टू हिम. तालियां गाइस, तालियां विच्चू भैया. Give him a big hand. Bachcho, good morning. मैं सबसे पहले यहाँ खड़े रह के मेरे मम्मी पापा को प्रणाम करना चाहूँगा, क्योंकि कहीं पढ़ा है कि वन हु इज क्रिएटर इज द गॉड. एंड आई बिलीव कि अपने पेरेंट्स ही अपने क्रिएटर हैं, तो मेरे लिए मेरे मम्मी और मेरे पापा ही शिव और पार्वती का रूप रखते हैं. सो सेकंड, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने टीचर्स को, सिकासा को एंड आप सभी को इतना 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 सारा प्यार देने के लिए, क्योंकि मेरे को बिल्कुल नहीं लगा था कि ये इतना बड़ा प्यार मिलेगा और आपने बहुत सारा प्यार दिया और शायद इसके लिए मैं हर बार रायपुर छत्तीसगढ़ आना चाहूँगा. यस, सबसे अच्छी बात यह है कि मैं छत्तीसगढ़ से कुछ इस तरह से जुड़ा हूँ कि अलग भी नहीं हो सकता. 7 जन्मों तक मेरी धर्म वाली पत्नी भी है, धर्म वाली मतलब सो मेरी धर्म वाली पत्नी भी यहीं से ही है और अब 7 जन्मों तक के आना ही पड़ेगा छत्तीसगढ़ में, तो जय जोहार बोलना बनता है कि नहीं बनता है? बनता है. चलो, बहुत अच्छी बात है. मुझे यहाँ पे
बुलाया गया बच्चों को मोटिवेट करने के लिए. वाह, ये तो मतलब ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, ये तो मैंने करना ही चाहिए, ये तो मैंने करना ही चाहिए, और मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा. तो शुरुआत करता हूँ एक बहुत ही अच्छे पॉइंट से, कि क्या सच में हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है. पहले हमें सोचने लायक बात है. वैसे मैं आपको शुरुआत इस बात से कर लूँ कि आप लोगों के लिए मेरी इज्जत आज और भी बढ़ गई. पूछो क्यों, आवाज़ नहीं आई, पूछो क्यों. हाँ, वो अभी वो यू नो पिक्चर लगी ना, कौन सी, वो लड़कियों वाली, वो बारबी, बारबी, और वो लड़कों वाली ओपन आई. हाँ, मतलब आप संडे के दिन वो दो छोड़ करके आप हमें सुनने आ गए, मेरे को इज्जत बढ़ गई भाई आप लोगों में. मतलब मेरे को समझ में आ गया कि आप बोल रहे हैं बारबी को देखना क्यों है, जो स्टेज पे खड़ा है वो भी तो क्यूट ही लग रहा है. और बम, खैर छोड़ो. खैर, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो. कुछ बातें अगर हम स्टार्ट करें कि यार किस तरीके से या क्या जरूरत है हमें, क्या हमें सच में कुछ मोटिवेशन की जरूरत है, या बचपन से अगर मैं शुरुआत करूं, हमारे बचपन से हमें क्या सीखने को मिलता है. अगर आपको याद होगा, आपका, मेरा, हम सबका एक फेवरेट कैरेक्टर है, वो नहीं है वो जो गैजेट लाता है, क्या नाम था उसका, डोरेमोन, और वो उसके साथ वो एक जन रहता है, वो कौन, नो, हाँ, इन दोनों का क्या लफड़ा है. अच्छा, वो एक मेरे जैसा दिखता है, वो कौन है, जियान है क्या. अच्छा, जियान है, और वो उसका लफड़ा किसके साथ है. आप सर देखिए कितना पता है इन लोगों को. तो नोबित, मतलब ये पोकेमोन अलग है ना इससे. अच्छा, पोकेमोन अलग है. तो कुल मिला करके समझते हैं डोरेमोन और नोबिता के बारे में. डोरेमोन नोबिता बचपन से हम सब देखते हैं, मैं तो अभी भी देख रहा हूँ, जबरदस्ती दिखाया जा रहा है मेरे घर में. मैं तो अभी भी देख रहा हूँ. तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था, मेरा एक सन है स्वास्तिक, वो देख रहा था, तो मैं भी उसके साथ बैठा था. मैं बोला यार ये क्या दिखाता है, जरा देखते हैं. तो 7 से 8 एपिसोड उसने लूप में चलाए. आप में से कोई जानता है हमने इनसे कुछ सीख भी सकते हैं. आप समझिए, 3 चीज डोरेमोन और नोबिता से सीखने लायक है. पूछो कौन सी. हाँ, पहला, अगर हम इस नोबिता को देखें, ये आदमी डिसिप्लिन के नाम पे बहुत बड़ा धब्बा है. हाँ या ना. मतलब जब सही समय रहेगा ये कुछ नहीं करेगा, और एंड में पूरी की पूरी एक साथ गंद मचा देता है. बराबर है. क्या सीखने को मिलता है. सीखने को ये मिलता है कि बॉस, अगर सही समय पे सही चीज नहीं की तो एंड में सब रायता फैलेगा ही. तो पहली चीज जो हमें सीखने को मिलती है इस कैरेक्टर से, वो ये है कि यार सही समय पे सही चीज अगर तुमने नहीं करी ना, एंड में आके होना वही है, सब रायता एक साथ ही फैलना है. दूसरा, अगर आप सब लोग जानते हैं तो दूसरी चीज आपने देखी कि जब भी उसको कोई प्रॉब्लम आती है वो किसके पास जाता है. डोरेमोन के पास जाता है. डोरेमोन करता क्या है, यही करता है ना. डोरेमोन क्या करता है, गैजेट निकालता है. अच्छा, अपनी जितनी प्रॉब्लम होती है क्या वो डोरेमोन को शेयर करता है, बोलो हाँ. अरे हाँ या हाँ. हाँ, जितनी प्रॉब्लम होती है वो सब डोरेमोन को शेयर करता है. मतलब हमें इससे एक और चीज सीखने को मिल रही है, और वो ये कि अगर तुम प्रॉब्लम में हो ना तो अंदर घुट के रहने का कोई मतलब नहीं है, किसी को तो बोलना पड़ेगा, किसी को तो बोलना पड़ेगा. अब ये वो दोस्त हो सकता है जो तुम्हें हर बार काके कहता है भाई तू तो रैंक में ही आएगा, ये वो हो सकता है जो कहता है कि भाई तू तो रैंक में ही आएगा. प्लीज एक बार जोरदार तालियां बजाइए. प्लीज आव सीट. हाँ जी, तो कहाँ थे हम, डोरेमोन पे थे. हाँ जी, सो डोरेमोन और नोबिता पे हम डिस्कस कर रहे थे. पहला पॉइंट हुआ कि भैया सही समय पे सही चीज नहीं की. देखो, इसने भी अपने को बहुत कुछ सिखाया. सही समय पे सही चीज नहीं की तो एंड में रायता फैलेगा ही. हम दूसरा पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि जब भी इसको कोई दिक्कत लाइफ में, जब भी इसको कोई दिक्कत आती है लाइफ में, ये क्या करता है, ये जाता है अपने दोस्त को बताता है. यही है आपका दूसरा पॉइंट. चाहे आप कोई भी सिचुएशन से गुजर रहे हो ना, चाहे ये फेलियर हो, यू नो
जिस एज में आप हो उसमें लव का भी एक इशू आ जाता है. तीसरे, गोल और लव तीनों कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं. यू नो, एक तरफ मेरे बाबू ने खाना खाया है कि नहीं है, दूसरे तरफ पप्पा बोल रहे हैं राजा बाबू बन के दिखा, और तीसरे तरफ अपना दोस्त तो अपने को बाबू भैया मान ही बैठा है, बाबू भैया चल लो. तो अंडरस्टैंड, दूसरा, जब भी आपको किसी तरीके का दिक्कत आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, यू जस्ट नीड टू रिफर टू अ पर्टिकुलर फ्रेंड. जैसे डोरेमोन के लिए नोबिता, वैसे ही आपके लिए भी कोई ना कोई जरूर होगा जिसपे आपको डिस्कशन करना होगा. थोड़ा सा ईगो को बाजू रख के उसके साथ डिस्कस करना होगा. एंड तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो जो प्रॉब्लम आती है तो वो क्या निकालता है? हाँ, गैजेट निकाला. ये गैजेट करता क्या है? कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है? बोलो हाँ. अरे हाँ, यानी ये तीसरी चीज कर रहा है प्रॉब्लम सॉल्व. ये भी तो आपके हाथ में है ना आज, बस गैजेट थोड़ा सा अलग है. अगर पढ़ते वक्त कहीं अटक रहे हो, पढ़ते वक्त कुछ नहीं समझ में आ रहा, गैजेट है ना बॉस, यू हैव यूट्यूब, यू हैव द वेबसाइट ऑफ ICAI, सारे गैजेट्स आपके पास अवेलेबल है. तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो तुम्हारा लाइफ भी उससे कुछ अलग नहीं है. पहला, तुम्हारी भी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज है जिसको तुम सिर्फ प्रोकेस्टिनेट कर रहे हो. हाँ या हाँ? बराबर. वैसे वो नशा आप लोगों ने भी किया है क्या, एक बार मुझे बताइएगा. एक दिन बहुत सीरियस हो जाते हैं लाइफ में कि नहीं भाई अब तो पढ़ना, अब ठीक है. फिर एक दिन पेन और पेपर लेकर के बैठते हैं. आई एम श्योर जितने भी CA स्टूडेंट रहे हैं उनने सबने एक बार ये जरूर किया होगा. पेन पेपर लेके बैठते हैं, सुबह 5:30 बजे उठूंगा, ठीक है, 5:30 से 7:30 पोस्टिंग, नहीं नहीं पोस्टिंग नहीं, ऑडिट नहीं, DT या अकाउंट्स. फिर 8:30 से 9:30 ये करूंगा, 10:30 से 12:30 ये करूंगा, आधी घंटे का चाय का ब्रेक लूंगा, आधी घंटा, उससे ऊपर नहीं लेने वाला. सबने ये किया है? 15 मिनट बहुत हो गए? 15 मिनट में ये टूट के बाजू हो जाता है? अंडरस्टैंड, हम सब ना एक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आप भी और मैं भी इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं. अगर मैं आप सबसे पूछूं क्या बनना है, क्या मैं आवाज सुन सकता हूं, क्या बनना है? ये बात बहुत क्लियर है. प्रॉब्लम ये है हम सब के साथ एज अ यूथ, ये प्रॉब्लम है कि हम सिर्फ ये सोच रहे हैं हमें क्या बनना है, हम ये नहीं सोच रहे कि क्या करना है. अंडरस्टैंड, देयर इज अ बिग डिफरेंस. क्या बनना है और क्या करना है, ये दो अलग अलग चीजें हैं. बने हुए तो तुम ऑलरेडी हो, सिर्फ एक डिले है उस चीज को लेकर. बने हुए तुम ऑलरेडी हो, सिर्फ एक डिले है, एक बस चीज है उस चीज को पाना है. पर क्या करना है, दिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट रादर देन क्या बनना है. क्योंकि देख, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें कुछ ना कुछ अचीव करना है. हाँ या हाँ? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें कुछ ना कुछ अचीव करना है. अचीवमेंट ना तब होगा जब हम लोगों के पास एक ना एक पर्पस, बस एक सिंपल पर्पस चाहिए किसी भी चीज को पाने के लिए. तुम अगर सिर्फ बनने का सोच रहे हो और तुम्हारा पूरा फोकस सिर्फ उस पार्ट पे है कि यार बनना है, तो मेरे फ्रेंड तुम एक गलती कर रहे हो. आइए इसको मैं कुछ इस तरीके से समझाना चाहता हूं. देर आर 3 words, देर आर 3 D's. 3 D की बात कर रहा हूं मैं, देर आर 3 D's. पहला, हाँ जी. और अगर मैंने सवाल पूछा आपने जवाब नहीं दिया, आपको अटेम्प्ट की कसम, ठीक है, तो जवाब देना है. तो पहला डी है आपका डिसिप्लिन. पहला डी समझाना चाहता हूं बस एक छोटी छोटी स्टोरी से. पहला स्टोरी आता है सर रतन टाटा जी के बारे में. आई गेस हम सबके लिए वो बहुत 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 बड़े इंस्पिरेशन है. तो एक दिन वो कहीं जा रहे थे अपनी गाड़ी से, गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है. तो साथ में 3-4 लोग थे, 3-4 लोग उतर गए कि भैया पंचर हो गया, अब 10-15 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे, सारा टाइम लगेगा. तो कोई चाय पीने चले गया, कोई चाय के साथ, सब अपने अपने तरफ चले गए. 2 मिनट बाद सब देखते हैं कि रतन टाटा सर कहीं तो मिसिंग है. सब ढूंढने लग जाते हैं, क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है. फिर किसी का ध्यान जाता है सर वहाँ पे क्या कर रहे हैं, टायर निकाल करके उसको ओपन कर रहे हैं. सब पहुँच जाते हैं, सर ये आप क्यों कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आ जाएगा अभी आदमी, 5 मिनट बाद आ जाएगा, आप ये सब क्यों कर रहे हो.
सर का जवाब सुनने लायक है जो डिसिप्लिन डिनोट करता है। सर का जवाब सुनने लायक है, सर बोलते हैं कि यार वो बंदा आएगा, 15 मिनट उसको आने में लगेंगे, 15 मिनट इसको खोलने में लगेंगे, और फिर 15 मिनट इसको वापस से सारी चीज़ करने में लगेंगे। अगर मैं ये काम खुद कर देता हूँ, इसको खोल के रख देता हूँ, इसको थोड़ा सा क्लीन करके रख देता हूँ, इट विल सेव हाफ आवर ऑफ टाइम, एंड सेविंग ऑफ टाइम इज सेविंग ऑफ एफर्ट्स एंड इज सेविंग ऑफ योर करियर। तो कई चीज़ें आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि घर का कोई प्रॉब्लम आ गया, घर का कोई काम आ गया, आपको ऑफिस का कोई काम आ गया, या अपने को यू नो और कुछ नहीं तो दोस्त का ही लफड़ा है, वही सुलझाते बैठे हैं। इन सारी चीज़ों में ना एक चीज़ आपको समझनी है, आपका अपना भी कुछ है और अपने भी कुछ ट्रिक। आपको एक डिसिप्लिन जब तक के नहीं आएगा ना, तब तक के यू नो डिग्री, डिसिप्लिन वाली डिग्री नहीं मिल सकती। एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग अपने अपने टीचर्स को मैसेज करते होंगे कि सर कैसे पढ़ू समझ नहीं आ रहा। अरे क्वेश्चन ही गलत है। हाउ कैन अ पर्सन जिसको हाउ कैन अ पर्सन जिसकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है वो तुम्हें ये बताए पढ़ना कैसे। असली सवाल ये है सर, पढ़ना क्या है, ना कि पढ़ना कैसे है। पढ़ना वैसे ही होता है, बुक खोल चालू कर, पढ़ना वैसे ही है। करना क्या है, असली सवाल ये है कि तुम्हारे को पढ़ना क्या है, ना कि पढ़ना कैसे है। हम मैक्सिमम गलती यही कर देते हैं, मैक्सिमम गलती यही कर देते हैं। अबे सवाल ही गलत पूछोगे तो जवाब तुमको कहां से सही मिलने वाला है, बराबर है। तो पहला है डिसिप्लिन लाना पड़ेगा किसी भी चीज में। क्या लाना पड़ेगा, डिसिप्लिन। क्योंकि जहां तुमने टाइम सेव किया वहां कहीं ना कहीं तुम्हारी डिग्री और पास आ गई। दूसरा है डी से डिजायर, डी से डिजायर, और इसी के साथ डी से डर भी है, जो तीसरा डी है, डी से डर। तो अब इस ध्यान को ध्यान से सुनना, डिजायर एंड डर, इसको भी आपको रिलेट करता हूं किसी ना किसी सिंपल एक्सपेरिमेंट के थ्रू। सर हुआ ये, एक दिन एक्सपेरिमेंट करते दौरान जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक बॉक्स के अंदर में चूहे को छोड़ा, जहां पे दो आजू बाजू से फनल लगाया, इधर से भी एक फनल लगाया, इधर से भी एक फनल लगाया, दोनों तरफ से फनल लगाया, राइट, चूहे को अंदर छोड़ दिया और चूहे को ना पीछे से स्प्रिंग से बांध दिया। किससे बांध दिया, स्प्रिंग से बांध दिया, सामने से चीज की खुशबू छोड़ी। अब आप बताइए, टॉम एंड जेरी हम सबने देखा है, टॉम एंड जेरी सबने देखा है, अगर चीज की खुशबू आएगी तो चूहा क्या करेगा, भागेगा, हाँ या हाँ, मतलब वो उसकी डिजायर है। आपको क्या बताना, आपको अगर अपनी डिजायर दिखेगी तो नहीं जाओगे, अट्रैक्ट तो होगे ना। देखा तुम्हारा नॉलेज कितना बड़ा है, मैंने बोला क्या और तुमने समझा क्या। ये डिनोट करता है भाई। सो अगर हम बात डिजायर की, जैसी यू नो चीज का खुशबू छोड़ा वैसे ही दौड़ते हुए चूहा एकदम एनर्जी आने लगा, आगे बढ़ने की, आगे बढ़ने की, आगे बढ़ने की, क्योंकि दिख रहा था जो चाहिए वो वहां है। तो जाहिर सी बात है हर एक जन मेहनत करता है, तुम भी यही कर रहे हो, दिख रहा है भाई। दो ऐसे वर्ड मिलने वाले हैं, मेरी इस बात को बहुत ज्यादा गौर से सुनना, दो ऐसे वर्ड मिलने वाले हैं जो हमारा नाम बदल के रख देंगे, दैट इज CA। और इससे ज्यादा प्राउड मैं इस मंच पे खड़े रह के नहीं बोल सकता कि एजुकेशन की स्पेलिंग में ही बीच में CA आता है। EDUCATION। तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा, डिजायर तो अचीव कर रहे हैं, दिख रहा है हम सबको कि भैया अचीव करना है। आप में से कुछ लोग फाउंडेशन के होंगे, इंटर के होंगे, फाइनल के होंगे, और कुछ यहाँ पे हमारे बड़े डिग्निटरीज ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जिनने कंप्लीट कर लिया उनको समझ में आ गया ये क्या है, तुमको भी समझ रहा है ये क्या है। डिजायर तो है पर अभी इशू है, बोलो, अभी तक तुम में डर नहीं आया। अब मैं समझाता हूँ वापस से उस एक्सपेरिमेंट पे आके। तो जैसे ही सामने से चीज की खुशबू छोड़ी वैसी अचानक से चूहा बहुत तेज दम लगाने लगा, लेकिन चूहे को एक चीज रोक रही थी, बोलो क्या, हाँ पीछे की जो वो बांधी थी ना स्प्रिंग, वो उसको बार बार रोक रहा था, ऐसा खींच रहा था उसको। इतने में इस एक्सपेरिमेंट को कंक्लूड करते हुए पीछे से बिल्ली की खुशबू छोड़ी। टॉम एंड जेरी हम सब देखा है, आपको क्या लगता है अब क्या होगा, चीज का खाने का डिजायर बड़ा या खुद की जान बचाने की डर बड़ा?
क्या लगता है क्या होगा? यही डरना है बे फेल होने से। जब तक है ना तुम फेल होने से नहीं डरोगे ना, पास होने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। सारे के सारे हम सब, ठीक है, हम सिर्फ एक दिशा में भाग रहे हैं। क्या दिशा है? दिशा ये है कि अपने को पास करना है, पास करना है। और इस चक्कर में मेहनत भी बहुत करते हैं, पर प्रॉब्लम ये होता कि वो डिसिप्लिन नहीं आने के चक्कर में डिग्री नहीं आ रही। और फिर क्या होता है, फिर अटेम्प्ट लग जाता। अटेम्प्ट लगने के बाद एक दिन तो पहला जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन पर अगले दिन उठ के हम बोलते हैं वो ये करना तो सीए ही है। बोलते हैं या नहीं बोलते? बोलते ना। पता है तुम्हें, ये जो तुम अगले दिन उठ करके बोल रहे हो ना करना तो सीए ही है, ये है डर कि यार ये कोर्स इतना प्यारा है। मैं आपको बताऊं, इस कोर्स में आने के बाद ना आपको कुछ और सोचता नहीं है। हाँ या हाँ? ठीक है, तुम बीकॉम करने जाते हो, वहां जाकर के अच्छा बुक है आपका, कोई स्पेसिफिक दोस्त सिर्फ बीकॉम कर रहा है, अच्छा यही बुक है। कब पढ़ना चालू करते हो? एक दिन पहले। मार्क्स कितने लाते हो? उससे ज्यादा, क्योंकि तुम्हें उसका डर ही नहीं है। तुमको पता है तुम ऑलरेडी उस चीज को अचीव कर लोगे, उससे ज्यादा प्रैक्टिस तुमने की है। हाँ या ना? दूसरा, यही अगर तुम इस साइड आते हो तो अब डरना चालू कर देते हो। सेम यही हुआ, जैसे ही खुशबू छोड़ी किसकी? बिल्ली की, वैसे ही चूहे ने अब तम लगा करके भागा, बहुत तेज भागा, स्प्रिंग तोड़ के भागा। क्योंकि पता है डिजायर से ज्यादा ना डर है। डिजायर आज नहीं तो कल अचीव कर लेंगे, डरना तुमको आज अचीव करने पे मजबूर कर देगा। डरना तुमको आज अचीव करने पे मजबूर कर देगा। डर किस बात का? डर इस बात का कि साला यार, पार्डन माई लैंग्वेज बट दिस इज द वे वी शुड कम्युनिकेट, दिल से। यस, आपको डर इस बात का लगना चाहिए यार मैं अगर फेल होता हूं तो होता क्या है। मैं आपको दो सीन इमेजिन करवाऊंगा, आई गेस प्रोग्राम के पहले या प्रोग्राम के बाद, एंड दिस विल चेंज एवरीथिंग। लेट अस अंडरस्टैंड, आज रिजल्ट का दिन है, हम दो सिनेरियो डील करते हैं और मैं ये दोनों चीज डिजायर और डिसिप्लिन के साथ आपको समझाता हूँ। लेट अस ऑल इमेजिन, एंड मैं चाहता हूँ जितने हमारे डिग्नेटरीज यहाँ बैठे हैं वो शायद अपने टाइम को थोड़ा सा रिवाइंड करके एक बार सिर्फ सोच करके देखिए कि आज रिजल्ट का दिन है। रिजल्ट के एक दिन पहले क्या होता है? अगर करंट सिनेरियो में बात करें, रिजल्ट के एक दिन पहले क्या होता है? आने वाला है अभी। पहले तो दोस्त फोन करके बोलता है भाई तेरा रोल नंबर बता, जो हम ऑब्वियसली बताते नहीं। रात भर बस एक दूसरे को कंसोल करे, अरे भाई तू पास हो जाएगा, लगी मेरी है, तू कंफर्म पास हो जाएगा। बोलते नहीं बोलते? हाँ या हाँ? बराबर है। फिर एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं, सारा ट्विटर ओपन करके देख रहे कि रिजल्ट आ तो गया ना। सारे जन बार बार उस वेबसाइट के ऊपर जाके रिफ्रेश कर रहे, खैर एक और टैब ओपन है पर हम रिफ्रेश कर रहे। ये पहली बार है, अब रिजल्ट का दिन, ये पहली बार है जब तुम बिना अलार्म के उठे हो। अदरवाइज 6 लगते हैं, उठते तुम आखिरी में ही हो। बिना अलार्म के उठ गए, आज नहा भी लिया नहीं, मतलब मंदिर जाना पड़ेगा ना आज तो। मंदिर पहुंचते हो, मंदिर पहुंच करके भगवान को हाथ जोड़ते हो, बहन की नजर से देखूंगा भगवान पास करा दे, लाइफ सेटल करवा दे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। रिजल्ट के 5 मिनट पहले कोई ना कोई नालायक दोस्त फोन करता है, भाई रिजल्ट लग गया, मैं पास हो गया, तेरा क्या हुआ? एंड यू लाइक रुक बताता हूँ रुक। फोन कट, देखना चालू, वापस से रिफ्रेश करे जा रहे, भाई यार कुछ दिख नहीं रहा। अच्छा एक काम कर, तू मेरे को रोल नंबर दे। नहीं, रिजल्ट मेरी मम्मी देखेगी, लकी है मेरे लिए। रिजल्ट आता है, पहले तो वेबसाइट लोड नहीं होती, राउंड राउंड राउंड, पता है यहाँ पे ये ऐसा ऊपर जाता रहता है। ये जो है ना, ये डर है, ये जो है ये क्या है? डर। और जो तुम पास का रिजल्ट देखना चाह रहे हो ना, वो है डिजायर। एक फनल इधर है, एक फनल उधर है। तुमने क्लिक किया, अपना रोल नंबर डाला, स्पेशल नंबर डाला, कैप्चर डाला, नीचे गए, इमेजिनेशन पावर देखो तुम्हारा, तुमको कलर भी दिख रहा है वेबसाइट का। अरे इतना बड़ा इमेजिनेशन पावर रख रहे हो,
और तुमको लगता है तुम अगर ईमानदारी से पढ़ो तुमको एग्जाम के दिन तुमको वो नहीं दिखेगा जो बुक में छपा था? मैंने तो तुमको नहीं बोला कलर क्या है, तुमको कैसे पता चल गया? हाँ जामुनी, लड़कियों के लिए लैवेंडर। तुमको कैसे दिख गया? फिर तुम रिजल्ट के ऊपर ओके, मम्मी पीछे आके खड़ी है, पप्पा हर बार की तरह, पप्पा क्या है प्यार नहीं दिखाते है कि नहीं? प्यार तुमको सबसे ज्यादा वही करता है, क्योंकि अगर तुम बचपन से भी देख रहे होंगे तो माँ जब भी तुमको उठाती थी वो यहाँ रखती थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, माँ जब भी तुमको उठाती थी वो यहाँ रखती थी, और पप्पा जब भी उठाते थे वो ऐसा ऊपर उठा के कंधे पे रख देते थे। सिंपल है यार, माँ वो दिखाना चाहती है जो उसने देखा, पप्पा वो दिखाना चाहते हैं जो उसने भी नहीं देखा। सिंपल है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। और इसलिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैंने भगवान को नहीं देखा, लेकिन मैं जानता हूँ द वन हु इज द क्रिएटर इज द गॉड, और इसलिए मैंने मेरे मम्मी पापा को सबसे पहले सामने। तो देखिए होता क्या है, रिजल्ट आया, रिजल्ट के ऊपर आपने क्लिक किया, राउंड राउंड राउंड, क्या लिखा हुआ दिख रहा है पहले? यही तो तुम्हारी गलती है, तुम्हारा BMW है, बेसिक में वांदे, पहले दिखता है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। पास का रिजल्ट तो तब आएगा बेटा जब नीचे स्क्रॉल करेगा। समझ में आया? तो तुमको ये तो पता है कि क्या देखना है, पर किस सीक्वेंस में देखना यहां गड़बड़ हो रही है। तुमको ये तो पता है क्या देखना है, पर किस सीक्वेंस में देखना यही गड़बड़ है। पॉइंट यही है कि क्वेश्चन ऊपर देखा, नीचे आंसर नहीं देखा कि एक्सपेक्टेड क्या था। पॉइंट सिंपल है, क्वेश्चन पढ़ रहे हो आंसर भी पढ़ो एक बार तो भी कि वहां पे क्या लिखा है। तो बस हुआ ये, तुम्हारा नाम आया, और तुम्हारा नाम के जब तुम नीचे गए और नीचे गए और नीचे गए, एक तो प्रॉब्लम ये होता है हम डायरेक्ट नीचे जाते, इधर का तो देखना ही नहीं है, इधर ऐसा नीचे इधर दिखा तुमको, अब यहां पे पास नहीं फेल लिखा है, FAIL। लेट अस इमेजिन यहां पे फेल लिखा है, क्या होगा आपके हिसाब से? तुमको पता है तुम पहले नहीं टूटते, तुमसे पहले तुम्हारे पेरेंट्स टूट जाते हैं, क्योंकि किसी भी पेरेंट्स ने हमेशा सिर्फ एक दुआ की है, और वो दुआ बस इतनी सी है कि तुम लड़ो, जीतो, हारो, कोई तकलीफ नहीं, बस गिरो मत। जब ये फेल का रिजल्ट आता है ना, आप माउस को क्लिक करते हो, चुपचाप मुंडे नीचे डाल देते हो। मम्मी पूछती है क्या हुआ, माँ बड़ी नॉर्मल सी होती है यार, क्या हुआ बेटा आपकी आंख से आंसू आ रहा है, सिर्फ इमेजिन करके देखिए आपकी आंख से आंसू आ रहा है। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? नहीं हुआ मम्मा, नहीं हो पाया, पप्पा इस रूम में नहीं है, पप्पा बाहर बैठे हैं, मम्मी बाहर गई, बाहर जा करके सिर्फ पप्पा को कम्युनिकेट कर दिया, यार नहीं हुआ उसको, अभी मत बोलो उसको कुछ। पप्पा फिर भी अपनी जगह से उठे, आए ऐसे, क्या हुआ, क्या हुआ? मैं बहुत इच्छा है तुम्हारी, स्पेशली लड़कों की, कि जा करके पप्पा को एक बार जोर से हक कर दे, कर नहीं पाता। लड़कों में ना एक होता है कि पास नहीं कर पाया तो क्या चेहरा दिखाऊं, लड़कियां कर लेती है, पापा की परी भी होती है कहीं ना कहीं। मतलब कई बार तो लड़कों को ऐसा घर पे ट्रीटमेंट, लड़कों को स्पेसिफिकली ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है कि हम पैदा नहीं डाउनलोड ही हुए हैं, वो भी गलती से। सर पप्पा आके आपको क्या लगता है क्या बोलेंगे? आपको ये बोलेंगे कि एक काम कर छोड़ दे, नहीं बन रहा, वो ये कभी नहीं बोलते, वो आपको आकर एक बात बोलेंगे, हाँ तो ठीक है रोने की क्या बात है, फिर से कर ले, रोने की क्या बात है यार, फिर से कर ले, कोई बात नहीं ना, ठीक है शांत हो जा, करते हैं अपन बाद में बात। पता है पप्पा ये क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि उस आदमी ने एक बार नहीं लगातार फेलियर देखा है, बाहर जा रहे बैंक में काम करने के लिए, बैंक में काम नहीं हो रहा, अटेम्प्ट, बाहर गए किसी कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, अटेम्प्ट,
कहीं जा रहे हैं, कहीं पहुंच रहे हैं, वहां जाकर के कुछ कर रहे हैं, अटेम्प्ट। क्लाइंट पैसा नहीं दे रहा, अटेम्प्ट। वो व्यक्ति ने ना इतनी बार देखा है, उसको समझ में आ गया कि सफलता क्या है। गौर से सुनिएगा, सफलता क्या है। अपने पप्पा को ना समझ आ गया सफलता क्या है। दो फेलियर के बीच में जो पेशेंस है ना, वही सफलता है। अबे मल्टीपल टाइम्स आएगा वे, मल्टीपल टाइम्स आएगा। दो फेलियर के बीच का जो पेशेंस आ रहा है ना, दो फेलियर के बीच का जो पेशेंस है वही। और मैं आपको बताऊं, हम सब यहां पे जितने लोग बैठे हैं, हम सबको ना इस कोर्स ने एक ही चीज सिखाई है, पेशेंस। दिन भर आपको क्या लगता है क्लाइंट ऑफिस में आता रहता जाता रहता, ये होता है क्या? नहीं होता। वो एक बार आता है साल में, वो भी रिक्वेस्ट करने पे, बराबर है? एक बार आता है, लेकिन कब कौन सा क्लाइंट आ जाए या किस क्लाइंट के क्या तकलीफ हो जाए, इस चीज के लिए दिन भर बैठना पड़ता है, दिन भर बैठना पड़ता है। और ये जो तुम आज बैठ रहे हो ना, आप लोग परेशान हो जाते होंगे यार, सुबह 6 बजे से पढ़ रहा हूँ, रात में भी पढ़ रहा हूँ, दिन में भी पढ़ रहा हूँ, रात में भी पढ़ रहा हूँ, ये हो क्या? ये उसी दिन का एक बहुत बड़ा प्रिपरेशन है, जिस दिन तुम अपने केबिन में बैठे रहोगे शानदार एसी चलाते हुए, राइट, ट्रिंग करके अपने आर्टिकल को बुलाओगे और बोलोगे कि यार जो क्लाइंट आए हैं उनको भेज, जो क्लाइंट आए हैं उनको भेज। तो यू नो, ये सब कुछ जो हो रहा है कि तुम्हारे को एक घंटा पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तुमको दिन भर पढ़ना है, सुबह से लेके शाम तक के बस तुम पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, ये सिर्फ है ना, ये उस दिन का प्रिपरेशन है जिस दिन तुम्हारे ऑफिस के अंदर में तुम बैठोगे। ये फेल का रिजल्ट आने पे क्या क्या होता है आगे भी सुनिए। आपके जो भाई बहन है ना, वो आपके मजे लेते हैं, बराबर है कि नहीं? स्पेशली जो कॉमर्स में नहीं आए, वो आपने उनको बोला चलना पढ़ना, पहले 40 तो ला, मजे लेते हैं, उनको नहीं समझ आ रहा ये क्या है। दूसरा दर्द होता है अपने मम्मी को, क्योंकि पता है तुमको ना बचपन में थोड़ी सी भी लग जाती थी ना, थोड़ी सी, तो सबसे पहले वो रोती थी। तीसरा पप्पा को, क्योंकि वो आदमी को जरा एक मिनट के लिए इमेजिन कीजिए, वो आदमी तब तक तुम्हारे लिए काम करने को रेडी है तब तक कि तुम किसी जगह पे नहीं पहुंच जाते। कुछ तुम्हारे दोस्तों को जो तुम्हारे साथ थे वो पास हो गए, तुम नहीं पास हो पाए, तो उनको भी बहुत बुरा लगता है। और सबसे ज्यादा बुरा तुम्हें खुद के ऊपर लगता है, इसलिए नहीं कि तुम एग्जाम पास नहीं कर पाए, अगेन बस इसलिए कि तुम उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाए। इसे शायरी से कहना चाहूंगा, इसे शायरी से कहना चाहूंगा, ये मुझे आप ही के प्रदेश के मेरे ही एक व्यक्ति हैं, इन्होंने लिख करके दिए, भरत नाम है उनका, प्रेजेंट है वो यहाँ पे। तो उनने मुझे कहा कि सर आप ये बच्चों तक के ज़रूर पहुँचाइएगा, तो मैं आप तक के इस बात को पहुँचाना चाहता हूँ कि दाव पे लगा है सब कुछ अब रुक नहीं सकते, दाव पे लगा है सब कुछ अब रुक नहीं सकते। बेटा टूट तो सकते हो पर तुम झुक नहीं सकते। यस। फिर आप लोग में से कई लोग बोलते होंगे सर यार मैं दिन रात तो पढ़ रहा हूं, पास का रिजल्ट ही नहीं आता, दिन रात पढ़ रहा हूं सर, सुबह 5 बजे उठ के पढ़ रहा हूं, मैं किसी शादी में नहीं जाता, किसी फंक्शन में नहीं जाता, दिवाली और होली तो खैर इस कोर्स में होती ही नहीं। यस, क्योंकि ये कोर्स हमें सिखाता ही वही है कि त्यौहार से पहले डिसिप्लिन और खुद के प्रॉफिट से पहले क्लाइंट। तो इसे भी एक शब्द से कहना चाहता हूं कि एक मुद्दत से तेरी ही बात कर रहा हूं, एक मुद्दत से तेरी ही बात कर रहा हूं, अ स्टूडेंट रेफरिंग टू द डिग्री, एक मुद्दत से तेरी ही बात कर रहा हूं, मैं दिन को रात और रात को दिन कर रहा हूं। इट्स ओके यार। एक किस्सा जब तक के सर आ रहे हैं तब तक के मैं आपको बताता हूं, आज यहां पे खड़े रह करके बहुत अच्छा लग रहा है, और फैक्ट ऑफ द मोमेंट मैं अगर आपको बताऊं तो कल मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ है। तो मैंने मेरे पापा से कहा कि देखिए हमारे पेरेंट्स कितने अलग होते हैं यार, मेहनत सिर्फ इनके लिए करनी है,
तो जब मैंने मेरे पापा से कहा, मैं बोला पापा मैं नागपुर आ जाता हूँ, आई बिलोंग टू नागपुर ओनली, मैं बोला पापा मैं नागपुर आ जाता हूँ, और उनको पता था ये प्रोग्राम है, ही जस्ट सेड वन लाइन टू मी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उन्होंने कहा विजय तू आ भी जाएगा तो करेगा क्या, मेरे एक के लिए आ रहा है उससे अच्छा हज़ारों बच्चों के लिए जा, हज़ारों बच्चों के लिए जा. ये यार अपने पेरेंट्स, ऑनेस्टली बोलता हूँ, हम कई बार ऐसा होता है, हम कई बार ऐसा होता है कि इन तक के पहुँच नहीं पाते, मतलब इस तरीके से कि तुमको अगर ऐसा लग रहा है ना कि भैया तुम्हारे डैड तुमसे कुछ चाह रहे हैं, तुम्हारी मम्मी कुछ चाह रही है तुमसे, कुछ नहीं चाहते ये लोग. ऑनेस्टली कभी अपने पापा के लिए गिफ्ट लिया है तुम लोगों ने, लिया है हाँ या हाँ? जब तुम ये गिफ्ट उन तक के लेके जाते हो तो एग्जैक्टली होता क्या है, जब तुम ये गिफ्ट लेकर के जाते हो एग्जैक्टली होता क्या है, तारीफ होती है हाँ या ना? तारीफ नहीं होती. वो कितने का है पहले ये चेक होगा, हाँ वो कितने का है पहले ये चेक होगा, और ये चेक होने के बाद तुमको पड़ेगी गाली. किस बात की, तुम्हें अक्कल नाम की चीज है कि नहीं है, क्या जरूरत थी ये लाने की? कॉमन डायलॉग हम सबने सुना है, क्या जरूरत है ये लाने की, मैं इसको यूज भी नहीं करता. यार आप एक बात समझो, और जिस दिन उसने वो पहन लिया ना ऐसे ऐसे ये, वो सबको दिखाएगा, ये देखिए मेरे बच्चे ने लाके दिया है अभी, क्या पता मेरे को तो जरूरत ही नहीं रहती, ये जबरदस्ती बच्चे कुछ भी करते रहते, कुछ भी करते रहते हैं. ये है भाई पेरेंट्स अपने. तो जो मैं तुम्हें कह रहा था, डिजायर और डर, डिजायर तुम में ऑलरेडी है. देखो मैं हमेशा कहता हूं एक नया एजुकेशन सिस्टम जो है ना, ये पुल नहीं पुश मेथड पे चल रहा है. सिस्टम हैज चेंज, एजुकेशन हैज चेंज अ लॉट, दिस इज वर्किंग ऑन अ रादर देन पुल मेथड, इट इज ऑफ पुश मेथड. पूछो कैसे, जब हमारा टाइम था हमारे मम्मी पापा को ना बोलना पड़ता था, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, ये बोलना पड़ता था राइट, ये था पुल मेथड. आज तुम लोग को कोई बोलता है क्या पढ़ ले? बहुत हार्डली, रेयरली, क्योंकि ना ये तुमको खुद को पता है कि अगर तुमने नहीं किया तो तुम पीछे रह जाओगे. तो अब तुमको कोई बार बार बोलने भी नहीं आता, अबे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, कोई बोलने नहीं आता तुमको, नो वन. तुम जो चल रहे हो ना ये पुश मेथड पे चल रहे हो, खुद के पुश पे चल रहे हो. अब बस सिंपल है, 3 D को अपने अंदर इंसर्ट करना है. D 1 डिसिप्लिन, सिंपल है. अब डिसिप्लिन मतलब क्या, मैं इसे और आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ. डिसिप्लिन मतलब क्या, क्योंकि देखो मोटिवेशन बहुत लोग देते हैं, करना क्या है ये कोई नहीं बताता. डिसिप्लिन वर्ड गूगल से उठा के पढ़ा दिया, बहुत अच्छी बात है, बट है क्या एग्जैक्टली, करना क्या है? ये जो तुम शेड्यूल बना रहे हो ना सुबह 5 बजे से रात में 9 बजे तक का, जिसको तुमने कई बार बना के वेस्ट कर दिया, तुम ये टेक्निकली गलत कर रहे हो. और मैं, आप में से कोई पूछ सकता है सर मैं किस तजुर्बे से बोल रहा हूँ, 3 बार ICAI द्वारा फेल हुआ हूँ, ICAI द्वारा नहीं खुद के द्वारा, बट हम स्टूडेंट बोलते वक्त बोलते ऐसे ही है, खुद के द्वारा फेल हुआ हूँ. 12th के अंदर मैं 48% लाने वाला मैं गर्व से खड़ा यहाँ पे व्यक्ति हूँ. तो जब पहली बार 12th के अंदर मैं 48% आए, तो मेरे ही अपने घर वालों ने बोला कि भाई तू लाइफ में कुछ नहीं कर सकता. और वो होते हैं घर वाले जो प्यारे से होते हैं, वो नहीं जो एकदम प्यार वाले ऐसे जिगरी, तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है, जब पहली बार सोचा कि भैया हाँ CA करने जाना है, तो मेरे को ये जवाब मिलता है, बेटा जो CA है ना ये 90+ वाले बच्चे करते हैं, तुम क्या करने जा रहे हो, 60 तो ला लेता है एटलीस्ट, अब अपन 48 वाले भाई, मतलब प्योर बैक बेंचर भी रहे हैं. जब एंटर किए फाउंडेशन पास हो गए, तो क्या आपको भी ये सुनने मिला था क्या, मुझे बताइएगा, जब आपका फाउंडेशन का रिजल्ट आता है ना, पता है क्या होता है, हाँ बेटा वो वही रिश्तेदार, इस बार तो फाउंडेशन का रिजल्ट ज्यादा आया ना, हाँ हाँ बहुत आया, आप ही ने तो रिजल्ट निकाला था. किसी को ये भरोसा नहीं हो रहा है, किसी को ये भरोसा नहीं हो रहा, तुमने कर लिया, बाप रे तुम कैसे कर सकते हो, बराबर है कि नहीं? अच्छा वही रिलेटिव, हाँ इस बार तो अच्छा आया रिलेटिव मैंने सुना. यही जब तुम इंटर में पहुंचते हो और फेल का रिजल्ट आता है ना, फाउंडेशन तो लक था, पता नहीं दिन भर गायब रहता है, रहता कहाँ है,
सुना है उसके साथ कुछ चल रहा है, होता ही नहीं होता, ईमानदारी से बोलना। दे जज यू जस्ट बिकॉज तुम दिन भर घर पे नहीं हो, दे जज यू जस्ट बिकॉज तुम दिन भर घर पे नहीं हो, या तुम किसी फंक्शन में नहीं हो, किसी शादी में नहीं हो, करेक्ट? इस बात पे जज किया जाता है। इस एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं कि पहला फेल रिजल्ट आया, भयानक टूटा। मैं आपको बताता हूं मेरे कॉस्टिंग का मार्क्स, तो कैन एनीवन गेस कितने आए होंगे कॉस्टिंग में? 39। अभी ये तो बहुत ज्यादा होगा सर, 14। भाई भयानक भयानक सिचुएशन, भयानक सिचुएशन। मतलब बहुत मेहनत करी थी यार, मार्जिनल कॉस्टिंग भी पढ़ के गया था। ऐसा नहीं यार, मार्जिनल कॉस्टिंग भी पढ़ के गया था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी पढ़ के गया था। नहीं आया यार, 14 माह का है, 14 माह का करके मेरे को लगा अपने को पैन नहीं होता, फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, फाउंडेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता तो लगता अपन ही भगवान है, और फिर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस, यही था, सेम यही था सर। दूसरा अटेम्प्ट दिया, 14 से पहुंचा 38 पे, पूरा ऐसा टूट गया था मालूम। एक तो क्या है, आप कभी गौर कीजिएगा, हमारे कोर्स में रैगिंग भी नहीं होती, होती है सीए में? हो भी नहीं सकती बेटा, कब तुम्हारा जूनियर तुम्हारा सीनियर बन जाए पता नहीं चलेगा। हो भी नहीं सकती यहां पर। मैं देख रहा था जो बच्चा फाउंडेशन में था वो फाइनल में पहुंच गया, मैं तो अटेम्प्ट लगाए जा रहा हूं, नहीं हो रहा यार क्लियर, नहीं हो रहा यार क्लियर। कॉस्टिंग में मेहनत किए जा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व किए जा रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जैसा पढ़े जा रहे हैं, नहीं हो रहा क्लियर। ये वापस से ताने सुनने मिलना चालू हो गया। एट द एंड समहाउ 40 लेकर के अपन पास हुए। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि एक बात समझो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस डिग्री को तुम लेने जा रहे हो ना, ये एक नेशनल लेवल की डिग्री है। आज अगर देखा जाए इंडिया में सबसे टफेस्ट मानी जाती है। हमारे प्रधानमंत्री जी खुद ये बात कहते हैं कि उनके सिग्नेचर से ज्यादा पावरफुल आपका सिग्नेचर है, विच इज ट्रू इन मेनी सेंस। जब यार इतनी बड़े काम करने जाओगे तो मेहनत तो लगेगी ना यार, एक बार में कैसे हो जाएगा? एक बात समझना, फेलियर से कुछ नहीं होता, और हम जैसे लोगों को सच में कुछ नहीं होता, क्योंकि हम तो इतने बार फेल होते हैं भाई, हम मिडिल क्लास लड़के हैं, हम इतने बार फेल होते हैं कि इसकी आदत होनी चाहिए और इसका एक जज्बा होना चाहिए कि ठीक है यार चल हो गया, लेट्स डू इट अगेन, लेट्स डू इट अगेन। इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता कि इतने बार, आप में से कई लोग सोचते हैं कि भाई अटेम्प्ट लग जाएगा, अटेम्प्ट लग गया तो खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अटेम्प्ट लगने के बाद भी खड़ा हूं ना इधर, क्या फर्क पड़ा? मार्केट मार्केट ना तुम्हारा स्किल देखेगा। वापस से सुनो, जिस दिन पास हो जाओगे ना, कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम कौन थे, कितने अटेम्प्ट लगे, क्या हुआ, कुछ भी नहीं पूछता ये सब मार्केट, और किसी को लेन देन भी नहीं है। जब क्लाइंट आता है ना तो ये पूछता है भाई तू मेरा सोल्यूशन दे पाएगा क्या, और अगर तुमने उसका सोल्यूशन निकाल के दे सकते हो तुम उसके लिए गोल्ड मेडलिस्ट हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम AIR थे या AIR नहीं, बस फर्क कहाँ पड़ रहा है, पैकेज में पड़ रहा है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो यू जस्ट नीड टू फोकस। हमारे CM सर वहाँ से निकल चुके अपने आवास से, एंड शायद 5 मिनट के अंदर में यहाँ पे पहुँच भी जाएंगे। एक एक्टिविटी मैंने आप लोग को करवा दी, एक फेल का इमेजिनेशन, लेकिन एक पास का इमेजिनेशन जब तक ना हो, क्योंकि पिक्चर तब तक खत्म नहीं होती जब तक का उसका एंडिंग हैप्पी ना हो, और मुझे वो इमेजिन करवाना और आपसे कुछ और भी बातें करनी। तो जैसे ही सर आएंगे, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ पूरे CA इंस्टीट्यूट के बिहाफ पे, वी नीड टू शो देम कि हम अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। इसमें किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सब इतने समझदार ज़रूर हैं कि किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ ये बहुत अच्छी बात होगी कि वो इस चीज़ का यहाँ से प्राउड लेकर के जाएं कि ये बच्चे जो हैं इतने अच्छे हैं। आप में से कई और भी हैं, जब तक के सर आ रहे हैं आप लोग को एक बात बताऊं, हाँ जी, हाँ डन। सो ये जो मेरा सेशन है ये सर के साथ वापस से कंटिन्यू होगा सर के प्रोग्राम के बाद। आई थिंक
इंट्रोडक्शन एंड ऑल होगा, सो जस्ट बेयर विद अस. था इंतजार जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई है. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस पल का आपको था बेसब्री से इंतजार, वो पल आ गया है. आई रिक्वेस्ट सीए विजय साडा सर टू प्लीज कम ऑन द स्टेज. तालियां रुकनी नहीं चाहिए. हाजी, गुड इवनिंग. पता है आपके साथ क्या हो रहा था? पेशेंस टेस्टिंग. पता है आपके साथ क्या हो रहा था? बस यही पेशेंस है. अब देखो, इसमें से कई कई लोग थे जो बोले यार सेशन हो गया यार, अब क्या रुकेंगे, एक काम करते हैं निकल जाते हैं. कई लोग थे जो रुके थे कि नहीं, जो मिलेगा सही मिलेगा. और मैं तहे दिल से आप सभी का, जितने लोग ऊपर बैठे हैं, जितने लोग नीचे बैठे हैं, आप सब रुके, इसके लिए बहुत 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 थैंक यू. मेरे से कई बार पूछते हैं तुमने क्या कमाया, मैंने कहा ये. तो मेरे से पूछते हैं कई बार क्या कमाया, मैंने कहा ये जो प्यार है यही कमाई है. बाकी बैलेंस शीट में तो बहुत ट्रू एंड फेयर आ ही जाता है. आप तो चलिए, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, बीइंग टीचर रिवाइज भी करवा देता हूँ. पहले सेशन में क्या हुआ, हमने पहले सेशन में दो चीज़ें समझी. पहला कि हमें हमारे कार्टून से भी कुछ सीखने लायक है, जिसमें से पहला कौन था? आवाज़ जोर से नहीं आ रही. हाँ, पहला था डोरेमोन नोबिता. भैया तीन चीज़ सीखी उससे हमने, क्विक रिविजन. पहला कि भैया सही समय पर सही काम नहीं किया तो एंड में जाके सारा रायता फैलेगा ही. दूसरी चीज़ सीखी कि तकलीफ हो तो क्या करो, बात किसी एक, किसी अपने से, किसी से भी बात करो. तीसरी चीज जो हमने उनसे सीखी वो ये थी कि भाई एक गैजेट करो. किसका यूज करो? गैजेट का. हमने कौन सी गैजेट का यूज करना है? अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई टॉपिक हार्ड लग रहा है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा, तो आपने क्या करना है, बड़ा सिंपल है, गैजेट उठाओ. यूट्यूब अवेलेबल है, यू नो, आपके पास गूगल अवेलेबल है, मॉड्यूल अवेलेबल है, सारी चीजें अवेलेबल है. उस चीज को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है. मैंने आपको कहा तीन डी आपके पास होने बहुत जरूरी है. बोलो कौन से? पहला डिसिप्लिन जरूरी है. हमने रतन टाटा सर को कोट किया था कि 7.5 मिनट बचा के 15 करोड़ की डील बचा लेना, ये डिसिप्लिन से ही आ सकता है. दूसरा हमने बात किया था डिजायर. लेकिन सिर्फ डिजायर से होगा या डिजायर के पीछे एक डर होना ज्यादा जरूरी है? बात कर रहे थे कि भैया डर बहुत जरूरी है. अब इसके बाद हम उस चीज को आगे लेके जाते हैं, इस डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं. पॉइंट नंबर वन, सर कैसे पढ़े नहीं समझ में आ रहा. मैं कुछ प्रॉब्लम्स बता रहा हूं आप सबकी. हेलो, आर यू विथ मी? ये कितने हैं? ऊपर से आवाज नहीं आ रही. फोकस. Now, अगर हम बात करें कि हमें पहला चीज क्या चाहिए, पहली चीज क्या चाहिए, तो हम सब जानते हैं कि यार हमें डिग्री चाहिए. बराबर है, सब पूछते हैं. मतलब मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर कैसे पढ़े, कुछ समझ ही नहीं आ रहा. मैं आपको कुछ उनकी प्रॉब्लम बता रहा हूं और प्रॉब्लम के साथ साथ सोल्यूशन बता रहा हूं. प्लीज कोरिलेट कीजिएगा जिस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं उस प्रॉब्लम से. पहला, बच्चा हमको बोलता है सर कैसे पढ़ू, कुछ समझ नहीं आ रहा. क्वेश्चन ही गलत है. आप पूछते हैं अगर कैसे पढ़ूं, ये क्वेश्चन ही गलत है. क्या पढ़ू इज द क्वेश्चन. कैसे पढ़ना, पढ़ने का एक ही उसूल है, बुक खोलना, पढ़ लेना, उसका कोई अलग यू नो मैकेनिज्म नहीं है. पर कैसे पढ़ू इज द क्वेश्चन. अब आप वो बनाते हैं सुबेरे से शाम तक का, 5:30 बजे से लेकर रात 12 बजे तक का, जो आधी घंटा चलता है मैक्स. आप ये मत करो. आप सबसे पहले ना एक टारगेट सेट करो. टारगेट सेट करने का मतलब क्या है? टारगेट सेट करने का मतलब है आपने सिर्फ ये करना है के अकाउंट्स के मेरे को 2 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, यू नो लॉ का मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, डीटी में मेरे को इतना प्रॉब्लम सॉल्व करना है. आपने डेली टारगेट बनाना है और ये डेली टारगेट जो है ना, ये धीरे 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 अकॉम्प्लिश होगा पूरे टारगेट के अंदर में. मतलब कैसे पढ़ू नहीं, कितना पढ़ू इज द क्वेश्चन होना चाहिए. जैसे कि अगर मैं आपको बात करता हूं, अगर आप पढ़ रहे हैं और मेरे जैसे एवरेज बच्चे हैं,
कॉस्टिंग पढ़ते वक्त एक सिंपल सा बुक बाजू रखिए, रजिस्टर जिसको हम बोलते हैं, राइट। एफआर पढ़ते वक्त, एसएफएम पढ़ते वक्त, इनके बाजू में आप बुक रखिए। जहां फॉर्मूला आता है, फॉर्मूले की एक अलग बुक बना लो, फॉर्मूले की एक अलग बुक बना लो, और ये जो अलग फॉर्मूले की, इसको डेली रिवाइज करो। होगा ये, मैं आपको गारंटी लिख के देता हूं, एग्जाम डे पे ना वो पूरी बुक ऐसी ऐसी घूमेगी, क्योंकि आपने एक ही चीज को इतने बार पढ़ा है, इतने बार पढ़ा है। हम सब यहां पे 11वीं पढ़े वैसे, हेलो, हाँ या हाँ, हम सब 11वीं पढ़े हैं। आपको अगर 11th का कॉमर्स याद हो ना, देखो एक तो क्या होता है, मैं कहता हूं कॉमर्स का बच्चा जो होता है ना, ये नवाब होता है। कॉमर्स का जो बच्चा होता है कौन होता है? नवाब। पूछो कैसे? पैसे होते नहीं उसके पास, पर पहली एंट्री पास करता है कैपिटल इंट्रोड्यूस 1 लाख। नवाबी समझ रहे हो तुम? पैसे है नहीं पर 1 लाख लाके खड़ा कर दिया, ये पावर है भाई कॉमर्स का, ये पावर है कॉमर्स का। अब अगर आप बात समझेंगे तो हमें सिर्फ टारगेट सेट करना है। टारगेट कौन से हो गए कि भाई मेरे को कॉस्टिंग के 4, डीटी के 3, लॉग के, ऑडिट के, एफआर के, एसएफएम के फॉर्मूला बुक बनाना है। फॉर्मूला बुक बना करके बस पलटो, और पलट करके ना डेली सिर्फ उसको रिवाइज करना। सुबह उठा, फॉर्मूला बुक पलट ले, काम खत्म, काम खत्म। रात में सोने से पहले पलट ले, काम खत्म। ये आपको करना है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। और इससे होगा ये कि एक ही चीज को तुम इतने बार कर चुके होंगे, जैसे आपको याद होगा हम 11th में थे, 11th में हमें माँ कसम इतनी गजब आदत हो गई थी कि हमें बिल्कुल क्वेश्चन पेपर से पहले, अगर आपको याद होगा, क्वेश्चन पेपर से पहले जब आप एग्जाम लिखने बैठे थे, आपने डायरेक्ट जाके ड्रॉइंग शुरू कर दी थी, याद आ रहा है? क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथों को याद हो गया था ये इधर डेबिट होगा और इधर क्रेडिट होगा। तुम्हारे माइंड से ज्यादा तुमने अपने हाथ को इतनी प्रैक्टिस करी थी, इतनी प्रैक्टिस करी थी। बींग मतलब वो जर्नल एंट्री के अंदर का याद हो या नहीं हो, पर तुमको पता था हर एंट्री के बाद लिखना है बींग। हाँ या हाँ, हर एंट्री के बाद लिखे जा रहे हो बींग बींग। तुमने पूरा फॉर्मेट ड्रॉ करके रख लिया। अब तुम समझो 11th में जो बच्चा साला 90 ला रहा था, 100 ला रहा था, अचानक ऐसा क्या हो गया कि इंटर और फाइनल में आ करके वो बच्चा सोचने में लग गया है कि मेरे को अकाउंट ही नहीं समझ आ रहा। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। मैं हमेशा कहता हूं, वर्ड पे कोट करिएगा, रिलैक्स टू रिकॉल। वापस से बोलो क्या? रिलैक्स टू रिकॉल। अब दुनिया भर का टेंशन लेके रखा है तुमने अपने लाइफ में, पहला टेंशन सर मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? अच्छा कुछ लोगों को तो देख करके लिटरली लगता है ये कैसे पढ़ गई इससे। हाँ या हाँ, बराबर है। अच्छा कुछ लोगों को देख करके आपको भी एहसास होता होगा ये कैसे कपल बन सकते, मतलब नहीं धरती पे कुछ तो गलत है, मन में आता है ना कुछ लोगों को देख के। हाँ या ना, घोड़ों को नहीं मिल रही घास, गधे खा रहे च्यवनप्राश। होता है कि नहीं होता है? अब जिस दिन तू घोड़ा बनेगा उस दिन भी आ जाएगा ना, बात समझ। मंजिलें तो मिल ही जाएंगी, घर से निकलते तो सही, मंजिलें तो मिल ही जाएंगी, घर से निकलते तो सही, भटके तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, भटक गए हो जिनको पता ही नहीं। लाइफ में रिस्क लेना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं होगा, कुछ तो रिस्क लेना पड़ेगा, कुछ तो नया करना पड़ेगा। तो तुमको प्रैक्टिस की जरूरत है। किसकी जरूरत है? प्रैक्टिस। कैसे पढ़ू नहीं, कितना पढ़ू इज द क्वेश्चन। रोज डेली एक टारगेट सेट करो कि भैया हाँ पढ़ना है, इतने क्वेश्चन मेरे को डेली करने हैं। अगर मैं कहूं आज से 131 डेज रफली रिमेन इन द एग्जामिनेशन, हेलो, 131 डेज रिमेन इन द एग्जामिनेशन। कॉस्टिंग की अगर डेली कल से भी, कॉस्टिंग हो गया, अकाउंट हो गया, डीटी हो गया, जीएसटी हो गया, कॉस्टिंग के दो प्रॉब्लम, मात्र दो प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तुम बहुत बड़ा टारगेट लेके चलते हो, गलत। दो प्रॉब्लम सॉल्व कर डेली, दो प्रॉब्लम भी सॉल्व किया तूने तो 131 के हिसाब से तू देख मोर देन 200 क्वेश्चन तू सॉल्व कर लेगा। तुम प्रॉब्लम क्या कर रहे हो मालूम है? हम जैसे एवरेज बच्चे पता है गलती क्या करते हैं, एक दिन सुबह उठेंगे और बोलेंगे चल आज अकाउंट्स का ये चैप्टर खत्म। अरे एक दिन में क्यों खत्म करना है तुमको? सब कुछ तुमको एक ही दिन में खत्म करना है, चाहे कुछ भी हो। प्रोसेस टेक टाइम्स, प्रोसेस को समय लगता है। एक दिन में तुमको सब चाहिए,
हाँ ये भी आज ही चाहिए, ये भी अभी करना है। एक क्लिक पे ना वीडियो डाउनलोड होता है, करियर नहीं। एक क्लिक पे वीडियो डाउनलोड होता है, करियर नहीं। एक ही दिन में तुमको सब करना है। अबे गलती कर रहे हो, गलती कर रहे हो। ये गलती कर लिया मैंने, एक बार नहीं बहुत बार कर लिया मैंने। तुम क्या करो, तुम टारगेट सेट कर लो। भैया तुम्हारी बुक जिस टीचर के पास पढ़ रहे हो, देखो टीचर और अकेडमी डजंट मैटर, ये मैं खुद बोल रहा हूं। टीचर और अकेडमी कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करते, एक्सेप्ट दिस कि वो तुमको सेम चीज को आसान तरीके से बता दे। पर जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ आने वाला नहीं है। ये मेरी बात बहुत क्लियर कर लेना, एज अ टीचर भी बोल रहा हूँ और एज अ फ्रेंड भी बोल रहा हूँ। खुद को अंदर झोंकना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। आप बोलोगे कि भाई मेरे को सब हो जाए, रिविजन हो जाए, मैराथन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, सब कर रहे, कोई नया नहीं कर रहा है कुछ। पर पढ़ना तो देखो पड़ेगा ना ब्रो, उसके बगैर कैसे होगा। तो पहली चीज टारगेट सेट कर, मे बी 4 क्वेश्चन इसके उसके। दूसरा, जिस सब्जेक्ट को ऑडिट पूरा का पूरा है, जिसको ऑडिट नहीं करना तो उसको भी ऑडिट कर रहा है। जैसे अकाउंट्स आ गया, हाँ ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब प्रॉब्लम पता है क्या हो रहा है तुम्हारा? प्रॉब्लम ये हो रहा है क्योंकि तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। जब तुम पेपर में देने जाते हो ना, पेपर पूरा आ रहा है, कंप्लीट हो पाता है? कंप्लीट हो पाता है? क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि तुमको पता ही नहीं है कि उसको करना कैसे है। तुम बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो कि भैया मैंने प्रैक्टिस कर लिया। अच्छा तीसरा प्रॉब्लम बताता हूं तुमको। तीसरा प्रॉब्लम है, बच्चा बोल रहा है कि सर मैंने बहुत प्रैक्टिस करी, बहुत प्रैक्टिस करी, फिर भी मेरा रिजल्ट फेल आया। हाँ तो ठीक है, सही है, है? सर प्रैक्टिस करने के बाद भी फेल आया, आप बोल रहे हो सही है। सही है, प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा, सही प्रैक्टिस करने से होगा। कैसी फूल जुलूल बातें कर रहे करने से होगा समझ आ रहा है, पर कैसे? प्रॉब्लम समझ बेटा, तूने एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू किया, अग्रीड? बराबर इधर तेरा साथ में एक म्यूजिक चल रहा है, इधर एक प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है? और एक प्रॉब्लम को तू लगा कितने रहा है? 22 मिनट सॉल्व करने में। टाइम मैनेजमेंट है, लिख लेना, समझ लेना, सबको बता देना। पेपर कितने घंटे का है? मिनटों में मिनटों में लेके आओ इसको, 180 मिनट। हेलो, प्लस 15 मिनट मतलब 195 मिनट्स, चलो 180 से पकड़ लेते हैं। 180 मिनट है और 100 मार्क्स है, 1.8 मिनट पर मार्क। सिंपल कैलकुलेशन, 1.8 मिनट पर मार्क। टाइम मैनेजमेंट, जितने भी रैंकर मिले हैं, जितने रैंकरों का इंटरव्यू लिया है, सबके पास एक चीज कॉमन मिली, पढ़ाई नहीं। वो तो तुम्हारे पास भी कॉमन है, एक चीज कॉमन मिली, दे वेर बेटर टाइम मैनेजर्स देन यू। क्योंकि जब मैं फेल हो रहा था, मैंने भी देखा यार ये क्या अलग कर रहा है, साला पास हुए जा रहा है। तब जाके पता चला वो टाइम सही मैनेज कर रहा है। क्वेश्चन तो मैं भी वही सॉल्व कर रहा हूं जो वो कर रहा है, टीचर तो मैंने भी वही सिलेक्ट किया जो वो कर रहा है, तो कर क्या रहा है नया? जिस क्वेश्चन पे आपने ऑनेस्टली 10 मिनट लगाना चाहिए, उस क्वेश्चन पे तुमने लगाए हैं 25 मिनट। 100 मार्क के पेपर तुमसे सॉल्व ही नहीं हो रहा, तुम सॉल्व करके आ रहे 70 एंड देन एक्सपेक्टिंग 40। बेसिक में ही वांदे है। तुमको प्रैक्टिस करना है, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो, टाइम बाउंड प्रैक्टिस होगी, ऐसे नहीं होगा। तुमको याद होना चाहिए कि भैया 1.8 मिनट पर मार्क है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेटली 9 मिनट लगने चाहिए। कितने? 9 मिनट लगने चाहिए, 9 मिनट से ऊपर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। 9 मिनट में अगर वो खत्म नहीं हो रहा, उसको वहीं छोड़ दो, आगे बढ़ो, क्योंकि ये तुम्हारा कहीं और के मार्क्स खा रहा है। तीसरा, बहुत सारे बच्चों को फोमो हो रहा है। सर नया वर्ड है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, अकेला सा फील हो रहा है। क्या, कैसा सा फील हो रहा है? अकेला सा, यार मैं अकेला हूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, है ना? कुछ यहां पे अखंड सिंगल लोग भी होंगे, नहीं मतलब फर्क होता है सिंगल और अखंड सिंगल में। कितने लोग अखंड सिंगल है यहाँ पे? हाथ तो सबने इतने कॉन्फिडेंस में उठाए, रखो नीचे, अखंड सिंगल। बराबर है ना? कुछ तो अपने दोस्तों को बोल रहे, जा बे परसों तो घूम रहा था छोटा है। मेरी बात सुनिए, कि किसी ने कहा
ऊंचाइयों से नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है। वापस सुनिएगा, किसी ने कहा ऊंचाइयों से नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है, किसी ने ये नहीं बताया देखना अकेले पड़ता है। बराबर है कि किसी ने ये नहीं बताया देखना अकेले पड़ता है। जब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं ना बहुत सारे लोग और फोटो लेते हैं, कभी उन फोटो को माउंटेनियर्स को देखिएगा, जब वो फोटो लेता है बाकी लोग नीचे उठ जाते हैं, मतलब माउंटेन पे उस टाइम पे खड़ा एक ही जन रहेगा। समझ में आ रही बात? खड़ा एक ही जन रहेगा। और हमारे साथ गड़बड़ क्या होती है पता है, आपके और मेरे जैसे लोगों के साथ, हम छतरी ले लेते हैं। नहीं, जो छतरी बोल रहा हूँ उस बारे में फोकस करना। हम छतरी ले लेते हैं। आप पूछेंगे सर छतरी ले लेते तो क्या प्रॉब्लम होती है, उल्टा बारिश से तो बचेंगे हम। हेलो, बारिश से तो बचेंगे छतरी ले लेंगे तो छतरी में कहाँ प्रॉब्लम है? तो आप सबने क्या किया मालूम है, छतरी तो ले ली लेकिन आप ये भूल गए बाढ़ में आने वाला पानी पैरों पे आता है सर पे नहीं। मात्र ये समझने की जरूरत थी कि क्लासेस लगा ली, एम सेट कर लिया, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, छतरी तो आ गई लेकिन चल के कहीं पहुंचना है, कुछ प्रैक्टिस करनी है चलने की, पाँव में आएगा पानी बाढ़ का, सर से नहीं आएगा, उसके लिए तो वर्क करना पड़ेगा। तो जो लोग अलोन है उनको एक ही बात समझनी है, टॉप पे ना तुम सबके साथ नहीं जा सकते, किसी के ऊपर चढ़ के ही जाना पड़े। तुम्हारे आजू बाजू जो बैठा है ना तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त, ये तुम्हारा दोस्त नहीं है, ये तुम्हारा कॉम्पिटिटर भी है। सो जस्ट नीड टू फोकस। चौथी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। कुछ लोग यहां पे पहले अलोन का बोल दिया, अब प्यार वालों का बोल देता हूँ, ठीक है कि नहीं? क्योंकि मेरी भी धर्म वाली पत्नी सीए ही है, छत्तीसगढ़ से ही है। देखिए जितने लोग अब प्यार में है ना, या होंगे या WIP है। देखिए इसमें कुछ गलत नहीं है सर, पहला ऐसा टीचर देखने को मिल रहा है जो बोल रहा है कि सर प्यार गलत नहीं है। हाँ मैंने भी किया। इसमें कोई गलत नहीं है, मेरी बात समझिए। आपको यह समझने की जरूरत है कि आप सपोर्ट बने एक दूसरे का। इस प्रोफेशन से है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो और अच्छी बात है। इस प्रोफेशन से तो बहुत अच्छी बात है, उसको समझेगा, और नहीं है तो नहीं समझेगा। पर जो भी कुछ है, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं मेरे और मेरे पत्नी की बात देखता हूँ, मैं मेरे साले सालियों को भी देखता हूँ जो यहाँ बैठे हैं, इनने भी CA किया हुआ है। सर जब दोनों CA हो ना तो बॉस एक बहुत जबरदस्त फैमिली बनती है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, दोनों मिलके गोल अचीव करते हैं। लेकिन आप गलत कहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, हमने भी ये डिसिप्लिन फॉलो किया और दोनों ने किया, ऐसा नहीं मैंने किया, दोनों ये डिसिप्लिन फॉलो करते थे कि हम पढ़ते वक्त एक दूसरे को बाबू ने थाना थाया। एक बार हुआ था ऐसा, पल्लवी मेरे को बोल रही थी, मतलब होता है ना शुरुआत का बाबू आ जाता है बीच में, तो हुआ था, मैंने उसको एक बात बोला, मतलब सुन तेरा बाबू खाना खा लेगा, वो बहुत मेंटेन्ड है। अब सपोर्ट करना सीखो। हम दोनों ने बस एक दूसरे को एक ही बात बोली कि देख रात 11 बजे के बाद का टाइम, रात 11 बजे के बाद का टाइम पूरा तेरा। कुछ कहेंगे अच्छा नहीं, ये होना चाहिए था। तो रात 11 बजे के बाद का टाइम पूरा तेरा, सारी कॉलिंग हो, दिन में कोई मैसेज नहीं करना, कोई कॉल नहीं करना। यहां पे हम एक दूसरे से दूर नहीं हो रहे, हम सिर्फ एक दूसरे के करियर को पर्सनल रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और तुम अगर ये चीज समझ सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप म्यूचुअली एक दूसरे के करियर पे फोकस करिए। क्योंकि एक बात बताऊं, जिस दिन तुम सेटल होगे ना, कोई माँ बाप तुम्हारे को अलग नहीं करेगा। जब देखेगा कि भाई दोनों सेटल है और दोनों, कौन सा माँ बाप चाहता है वे तुम दुखी रहो? तुम्हारे फेल के रिजल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम्हारी जुदाई को बर्दाश्त करेंगे? ऐसा नहीं होता। अंडरस्टैंड, सिर्फ इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना है। पांचवी चीज आप सभी को बोलना चाहूंगा सर, हमारा कई बार फेल का रिजल्ट आ जाता है,
हमारा कई बार क्या आ जाता है, फेल का रिजल्ट आ जाता है और फेल के रिजल्ट के बाद हम किसी से बात नहीं करना चाहते, होता है ऐसा? हेलो, हाँ या ना? हम किसी से बात नहीं करना चाहते, उस टीचर से नहीं मिलना चाहते जिस टीचर को एक टाइम पे यू नो इंस्पिरेशन मांगना था। हम अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते, अपने दोस्त से बात नहीं करते, भाई बहन से बात नहीं करते। यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। पूछो क्यों? अच्छी लाइन कहता हूं, समझिएगा। गुफ्तगू किया कीजिए, ये इंसानों की फितरत है। गुफ्तगू का मतलब होता है बात करना, तो गुफ्तगू किया कीजिए, ये इंसानों की फितरत है। बंद कमरे में भी जाले लग जाते हैं। मतलब ये है कि अगर तुम बात करते रहोगे शायद कुछ सोल्यूशन मिल जाए और तुम्हारा दिल हल्का हो जाए। बात करते रहना इंसानों की फितरत है। फेल हो गए, ठीक है यार, क्या गलत किया तुमने? फेल हो गए तो फेल हो गए, तो ये डिनोट करता है कि तुमने मेहनत की। एक बार नहीं, दो बार फेल हो गए, तीन बार फेल हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो खुद खड़ा हूं मल्टीपल टाइम्स, लोग आपका स्किल देख रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, और कई लोग आपके परिवार के घर व्यक्ति के आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस रखो। एक दो बार फेल हो गए, ये वही रिलेटिव है जो आकर के पूछेंगे कौन से कॉलेज से सीए कर रहे हो। ये वही रिलेटिव है जो आकर के वापस से पूछेंगे कौन से कॉलेज से सीए कर रहे हो। पर एक बार मल्टीपल टाइम फेल होके इन्हें पास होकर के दिखाओ, ये वही पड़ोसी है जो बोलेंगे हमारा पड़ोसी का लड़का भी सीए ही है, आओ कभी मिलाओ। कुछ फर्क नहीं पड़ता रे। और तू एक बात बता, मैं आप सबको एक एक्टिविटी करवाना चाहता हूं। आप मेरे साथ एक एक्टिविटी करोगे क्या? प्लीज, पक्की बात? ठीक है, मैं चाहता हूं प्लीज आप अपने फोन अंदर रख लें। ठीक है, फोन अंदर कर लें। 5 मिनट एक अच्छा नजारा दिखाता हूं, इस नजारे को देख लेना, लाइफ चेंजिंग है। अपना फोन अंदर रख लें, पॉसिबल है तो साइलेंट मोड पे, हल्ला हल्लाना बंद कर दें जैसा। ठीक है, एवरीबॉडी रेडी? ऊपर से आवाज नहीं आ रही है, हेलो रेडी? यस, अपन सब करेंगे, अपन तुम एक्साइटमेंट है, फोटो लेंगे, सब करेंगे। मैं जो आज करवाना चाह रहा हूँ ना, एक मैंने तुमको दिखाया कि फेल का रिजल्ट होगा तो क्या होगा, पास का रिजल्ट क्या होगा, मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, हाथ बिल्कुल बाजू रख दो। एंड जितने मेंबर्स भी यहाँ पे बैठे हैं, अगर ये भी एक्टिविटी करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, हम बस ऐसे बैठ जाए। ठीक है, आंखें बंद कर लें सब लोग, प्लीज आंखें बंद कर लें। देखिए मैं आपको आपका पावर दिखाता हूँ, आंखें बंद कर लें। मेरे को सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट चाहिए आपके, कान सिर्फ खुले रखना, बाकी सब छोड़ देना, प्योर रिलैक्स। फोन वोन आए, कुछ भी आए, सब छोड़ देना। आंखें बंद है आपकी? ठीक है, एक बार डीप ब्रीथ करिए, फिर एक बार, तीसरी बार। नाउ इमेजिन, मस्ती मत, मस्ती। नाउ इमेजिन, इट वॉज अ वेरी फाइन डे जब आपके पेरेंट्स को या तो वो खुद मिले या परिवार वालों ने मिलाया, दोनों की बात हुई, दोनों की शादी की बात हुई, शादी तय हो गई, शादी हो गई। मम्मी पहली बार, आपकी मम्मी पहली बार अपने ससुराल आई, बहुत अच्छा मोमेंट। ये वो लड़की है जिसके कुछ सपने थे, ये वो लड़की है जो एक परिवार से आशा लेके आई है, ये वो लड़की है जो अपनी कुछ उम्मीद लेके आई है। परिवार का प्रेशर और बाकी चीजों को समझते हुए वन डे दोनों मिलके डिसाइड करते हैं टू हैव अ बेबी, एंड दैट्स यू। आफ्टर ऑल द प्रोसेस, वन डे, इमेजिन द डे, उनको ये एहसास होता है, सिर्फ आवाज आ रही थी, उनको ये एहसास होता है दे आर प्रेग्नेंट। मैंने दे बोला क्योंकि सिर्फ महिला नहीं होती। पता है उस दिन तुम्हारे मॉम का जीवन जो था ना, ये पूरा बदल गया। जस्ट इमेजिन योर मॉम, तुम्हारे मॉम का जीवन पूरा बदल गया। एक लड़की जिसने अपने सपनों के लिए सब कुछ किया ना, जैसे उसे पता चला कि वो मां बनने वाली है, उसने अपना सब कुछ तुम्हें देने का सोचा, इंक्लूडिंग बॉडी। तुम्हारे डैड अचानक से ना
मैच्योर मैन बन गए। आप किसी भी लड़के से पूछेंगे वो अपने 60 की उम्र तक के बोलता मैं मैच्योर नहीं हुआ हूं, क्योंकि उसके सपने खुद के बाकी होते हैं। तुम्हारे डैड अब बोलते हैं यार नहीं यार, वो आदमी पहला वादा तुमसे वहीं कर देता है जब तुम पेट में होते हो, बेटा तू बाहर आ तेरे को सब कुछ मैं करके दूंगा, तू बिंदास टेंशन मत ले, तेरा बाप खड़ा है, मैं सब करूंगा तेरे लिए। वक्त बीता, 3 महीने हुए, आपकी मॉम का बॉडी शेप चेंज हो गया, आप इनसाइड थे। 3 महीने में ये कंफर्म हो जाता है कि आप हैं या नहीं, आप बड़े हैं समझ सकते हैं इस प्रोसेस को। 3 महीने बाद अब पप्पा भी थोड़े से सीरियस हो गए, नहीं यार मेहमान आने वाला है समझो जरा इस बात को। अब पप्पा अपने दोस्त दुनियादारी अपने कुछ तकलीफें घर पे कम बताते हैं। ये वो टाइम था जब पप्पा शांत रहना चालू कर देते हैं क्योंकि तुम पे इसका फर्क ना पड़े। मम्मी का 8वां महीना इमेजिन कीजिए, आप पेट में हैं, 8वां महीना इमेजिन कीजिए मम्मी का। ये लेडी अपनी पूरी बॉडी खो चुकी है, ये लेडी अपनी पूरी बॉडी खो चुकी है, नाउ शी कांट सिट, वो टेढ़ी नहीं हो सकती, वो उल्टा नहीं हो सकती, पर रोज तुम्हें अलग अलग चीजें सुना रही है पेट पे हाथ रख के, बेटा ये दादा है ये दादी है ऐसे किक मत मार, आप कुछ नहीं समझ रहे, ले दे के सट से किक मार रहे। वो अपने पति को मतलब आपके पापा को दिखा रही है कि देख यार ये कैसा परेशान कर रहा है। वो रात ना तुम सोए ना माँ को सोने दिया, और मां नहीं सो रही तो पापा का तो सवाल ही नहीं उठता। वो बोलती थी अच्छा ये बढ़िया है, हाँ सारी तकलीफ मैं झेलूं और तुम आराम से सो जाओ, जगो मेरे को पानी ला के दो। बहुत शानदार 9 मंथ तुम बड़े हो चुके हो और धनाधन लाते मार रहे हो। मम्मी बोल रही है अरे धीरे लाला क्या कर रहा है, पप्पा बोल रहे पप्पा आकर के रोज तुम्हारे ऊपर हाथ रख रहे हैं, तू बाहर आ बेटा टेंशन मत ले मैं हूं तेरे को सब चीज दिलाएंगे। पप्पा ने माइंड में सोच रखा है कि इसके लिए क्या क्या करना है। डे आता है अब तुम बाहर आने वाले हो, हॉस्पिटल जाते हैं, बाय द होल प्रोसेस तुम बाहर आते हो। जस्ट इमेजिन द वेरी क्यूट लिटिल छोटू से तुम आए हो, तुमको तो पता ही नहीं है यार ये डिग्री क्या होती है, माँ क्या होते है, बाप क्या होता, तुमको तो कुछ ही नहीं मालूम है, तुमको बस एक चीज समझती है भूख लगी और रोना, पॉटी करते नहीं जमता है भाई तुमको, कुछ भी नहीं जम रहा है तुमको। तो माँ तुमको ऐसे हाथ में लेती है और एक चीज सोच रही है, भगवान इसको दुनिया की सारी खुशी देना, और वो रो रही है, कैसी लेडी है खुद को बच्चा हुआ खुद ही रो रही, पता नहीं क्यों रो रही है। पप्पा ने सारा काम छोड़ के आ गए, पापा ने तुमको हाथ में उठाया सर पे चूमा, पर वो आदमी है कुछ बोलता नहीं, मैन कैन नॉट एक्सप्रेस ना, बट पूरे गांव को मिठाई बांधा ये बच्चा हुआ है हमारे यार नाम रोशन करेगा, दादा दादी ने उठाया प्यार किया, नाना नानी ने उठाया प्यार किया, एक हमारे मामा भी थे टपू सेना के उनने भी प्यार किया। तुम थोड़े से बड़े हुए, तुम जब चाहे बेड पे सूसू कर देते पॉटी कर देते, तुम्हारे मम्मी डैडी ना उसको चेंज करते, तुमने बेड पे सूसू किए तो तुम्हें उतार देते, पप्पा बोलते ठीक है तू इसके साथ सो मैं नीचे चल रहा हूं। ये वो व्यक्ति है, पहला कदम था तुम्हारा, चलना चालू किया था तुमने, पहला कदम तुमने चलना चालू किया था, चलते चलते जुप से नीचे गिरे। सबसे पहला आदमी जो भागा ना वो तुम्हारे पप्पा थे, और मम्मी को डांटा भी तू क्या करवा रही इसको, काय को चलवा रही,
मम्मी अरे वो थोड़ा थोड़ा चलता है तुम मत टेंशन लो। अरे पर करना क्यों है, वो कर लेगा ना खुद से। नहीं 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 चलने दो थोड़ा सा। अब तुम आगे बढ़ रहे हो थोड़ा सा, तुमने थोड़ा थोड़ा चलना चालू किया, तुम थोड़ी थोड़ी ड्राइंग करना चालू कर चुके हो, ड्राइंग कुछ इमेजिन करके कर रहे हो। तुम्हें कलर लाके दिए, बुक दी, कलर लाके दिए ताकि तुमको बेस्ट मिले। तुमने पहला बनाया भी परिवार ही, ये मेरे पापा, ये मेरी मम्मी, ये मेरा घर। तुम्हारे स्कूल जाने की बात आई, पहला दिन था सब तुम्हारे स्कूल का, पहला दिन नर्सरी में एंटर कर रहे थे, तुम्हारे लिए नया बैग लाया, नए शूज लाए, कपड़े पहनाए। तुमको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं, पर वो माँ और बाप दोनों एक्साइटेड है। पता है क्यों? कि यार ये लड़का ये लड़की अपनी अलग जर्नी शुरू करने जा रहा है, अब इसके नए दोस्त बनेंगे, अब इसका नया परिवार बन जाएगा, ये अब हमारे चुंगुल से दूर जा रहा है। तुम बड़े हुए, तुम्हारी सारी मस्ती देखी, तुम्हारा ग्रोथ देखा, तुम्हारे दोस्त देखे, अब टेंथ का एग्जाम आ रहा है। इमेजिन कीजिए टेंथ का एग्जाम, तुम्हें सबसे बेस्ट कोचिंग क्लासेस जितनी उनकी पहुंचती उस हिसाब से प्रोवाइड की। ये आदमी बारिश में भीग रहा है ताकि तुम कहीं शांति से बैठ सको। ये लेडी रोज सुबह 3 बजे 4 बजे तुम्हारे साथ उठ रही है कि तुम अच्छे से एग्जाम दे दो, ये बोर्ड्स है। मम्मी आके रोज एक ही बात पूछती, पढ़ाई ठीक चल रही है? पापा आके रोज एक ही बात पूछ रहे हैं, पढ़ाई ठीक चल रही है? गेम ओवर, कुछ और नहीं सोच रहा। आगे बढ़े, टेंथ का एग्जाम, इस साल सारे प्रोग्राम कैंसिल क्योंकि तुम्हारा बोर्ड है, इस साल सारे शादियां कैंसिल क्योंकि तुम्हारा बोर्ड है। पापा ने अपनी सारी इच्छाएं खत्म कर दी, उस आदमी को भी ब्रांड समझता है क्योंकि तुम्हारा एग्जाम है। मम्मी ने जाना कैंसिल कर दिया क्योंकि तुम्हारा एग्जाम है। टेंथ का तुम पेपर देके आते, मम्मी और पापा बाहर खड़े गाड़ी के साथ, 3 घंटा गाड़ी के साथ खड़े कि भाई ये बच्चा एग्जाम देके आएगा। जैसे तुम एग्जाम देके आते हो, माँ ने क्या किया जरा इमेजिन करके देखना, याद करके देखना उस माँ को, माँ ने क्या किया? माँ ने सिर्फ तुम्हें बोला डब्बा लेके आई थी, याद होगा तो, ले पहले कुछ खा ले। और पप्पा का टेंशन एक ही था, पेपर कैसा गया, कितने मार्क का सॉल्व किया, समझ कुछ नहीं रहा ट्रिग्नोमेट्री में क्या था, अच्छा ये भी आया था, अच्छा हाँ ठीक है, कितना लिखा। टेंथ था तुम्हारा, टेंथ का रिजल्ट आने वाला था, पता चल गया सीबीएसई का कल रिजल्ट आने वाला है। तुम फिर से हुए टेंशन में क्या होगा, क्योंकि तुम तो अपनी राह पे निकल चुके हो। पता है मम्मी और पापा का एक डिस्कशन हो रहा था उस रूम में, इमेजिन कीजिए जहां पे अक्सर मम्मी पापा होते हैं, एक डिस्कशन हो रहा था। सुनो ना, ये बहुत टेंशन में दिख रहा है, पता नहीं क्या होगा। इट वॉज ओनली एंड ओनली योर डैड जिसने ये कहा, अरे टेंशन मत ले मेरा बच्चा है, पास हो जाएगा। नहीं नहीं इसने बहुत मस्ती की है, तुमको पता नहीं, मेरे को तो इसकी सच में टेंशन हो गई है। तुम मत टेंशन ले, कितना भी किया हो ये पास जरूर होके आएगा, मत टेंशन ले। देखो तुम कर लेना, ऑफिस मत जाना, इसके साथ रुकना। अरे यार समझदार है, हिम्मत ही है, कर लेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, सब टेंशन मत ले, हो जाएगा। द रिजल्ट्स डिक्लेयर्ड, याद करो क्या हुआ था। जैसे वो पास का रिजल्ट आया था ना, भयानक मम्मी रोना चालू कर दी, आंखों से आंसू आ गए उस लेडी के। पता नहीं क्या चाहिए इस लेडी को हमसे, क्यों रोती रहती है जब देखो तो, कुछ तो चाहिए यार इस लेडी को। हाँ स्वार्थी है, कुछ तो चाहिए। हाँ तुम पढ़ लिख लोगे, पैसे कमा लोगे तो उसको पैसे मिल जाएंगे ना, बहुत पैसे लेके। हाँ क्या करेंगे वो, मतलब जैसे 60 की उम्र में पैसे लेके वो कर क्या लेंगे वैसे। पर वो रोना चालू कर दी, भयानक रोना चालू कर दी। तुम उठ के मम्मी के आंसू पोंछ रहे, अरे पास आया है, फेल थोड़े ना आया है। तुम समझ ही नहीं रहे हो, तुम उस प्रोसेस से गुजरे ही नहीं हो। उनने दूसरी बार 10वीं पास की है, पहले खुद के लिए और अब अपने लिए। पप्पा है, हाँ क्या रिजल्ट आया? पप्पा पास हो गया, इतने परसेंट आए।
हाँ वाह वाह वेरी गुड, चलो मैं आता हूँ ऑफिस से। पापा उस दिन भी नहीं रुके, रुकते भी नहीं है। तुम्हारे सामने है ना खुशी व्यक्त कर दी तो तुम बहुत ऊपर चल जाओगे। तुमको सही जगह लाना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ पप्पा ही है जो तुम्हें बता सकते कि बाहर वाला तेरे को ट्रीट कैसे करेगा। वो पहले ही घर में वैसा ट्रीट कर लेते, ताकि तेरे को बाहर की पूरी आदत रहे, पहले वैसा ट्रीट कर लेते। बाहर वाला जो तेरे को देना चाहता है तू आज ले ले मेरे से। एक बात आप सबको याद आती है, पप्पा कई बार ये कहते थे कि ये मत कर, हम करते थे, अंत में होता वही था जो वो कहते थे, हाँ या ना? तुमने ट्वेल्थ क्लियर किया, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, ठीक है। कल फाइनल का रिजल्ट है, कल 7 तारीख फाइनल का रिजल्ट है। रिजल्ट से एक रात पहले तुम, अरे यार भगवान पास करा दे बस, सीए बना दे, फिर दिखाता हूं सबको। पता नहीं किसको दिखाना है, किसी को तो दिखाना है। मां पता है क्या सोच रही है, भगवान इसको पास करा दो, लाई बच्चा अपने काम से लग जाए, सब अच्छा कर ले। आप में से कई लोगों की मम्मी ने ना उपास भी रखा होगा इस चीज के लिए कि एक बार इसका रिजल्ट आ जाए फिर मैं कुछ खाऊंगी। पता है तुम्हारे पप्पा क्या कर रहे हैं? पप्पा ने सारे ऑफिस वालों को ना बोल रखा है कि यार क्या होगा, मॉर्निंग में रिजल्ट आ रहा है, बस पप्पा एक लाइन पूछ के जाते हैं, बेटा कब है? आप बोलते हो पापा इंस्टीट्यूट ने बोला तो है 7 और 8, पर 7 को 11 बजे तक आ जाना चाहिए, पिछले बार तो 7:30 को ही लगा दिया था। सारे दोस्त एनेक्शियस है कि क्या होने वाला है, तुम एनेक्शियस हो साला होने क्या वाला है। रोल नंबर डाला, स्पेशल कैप्चर कोड डाला, मम्मी पीछे खड़ी है, पप्पा हर बार की तरह वही बाहर हॉल में पेपर पढ़ते हुए आज तक पे देखते हुए, बीजेपी और कांग्रेस ने किया क्या उनके लिए मैटर करता है, तुम्हारे लिए नहीं। तुमने क्लिक किया वेबसाइट पे cresults.nic.in, डाल दिया, रिजल्ट आया। वेबसाइट दिख रही है क्या, हाँ या ना? वेबसाइट दिख रही है क्या, हाँ या ना? वेबसाइट ओपन हुई, कलर दिख रहा है क्या? नीचे थोड़ा और, अरे ये तो ग्रुप वन हुआ, और थोड़ा नीचे, और थोड़ा 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 राइट 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 राइट, वो स्क्रोल इधर कर, हाँ हाँ, PASS बोध ग्रुप। आंखें नहीं खोलना है, पास बोध ग्रुप पास, मां कसम तुम बहुत जोर से चिल्लाए चेयर को पीछे डाल के, यस यस, बहुत जोर से चिल्लाए। पता है एक स्वार्थी लेडी है तुम्हारे पीछे, फिर रो रही है, पता नहीं क्यों, कैसे स्वार्थी लोगे तुम, बहुत पैसा देने वाले हो उसको लगता, हाँ डिग्री उसके नाम कर दोगे ना एफिडेविट बनवा के, ये फिर रो रही है, अभी तो तुम्हारी दादी ने भी चालू कर दिया। एक ग्रुप होता है हमारे व्हाट्सएप पे हैप्पी फैमिली, पता नहीं उसमें हैप्पी कौन है पर है। इस हैप्पी फैमिली में इस बार नाम चल रहा है सीए, इमेजिन तुम्हारा नेम, कॉन्ग्रेचुलेशन, सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, तुम भी, सारे दोस्त लोग का फोन आ रहा है तुमको, ऑल इंडिया रैंक होल्डर हो तो वीपी सर, प्रेसिडेंट सर से डायरेक्ट फोन आ चुका है तुमको, तुम पास हो चुके हो। पप्पा आते हैं हर बार की तरह, पप्पा को जाके जोर से गले लगाते, एकदम जोर से। लड़कों के लिए तो ये लाइफ टाइम मोमेंट है, पता नहीं ऐसा दोबारा कब हो पाएगा, क्योंकि क्या है ना, लड़का बोल नहीं पाता अपने बाप को कि भाई तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और ये भी नहीं बोलता पाता कि तुम्हारे थॉट और मेरे थॉट अलग है, चाहे हम दोनों भी सेम ही रहे, है ना, थॉट अलग है। आपने रोक दिया बहुत जोर से कस के, आप अगर बच्ची है तो आपके पप्पा सर के ऊपर आपको एक छोटी सी मीठी देंगे, वैसी ही जिस टाइम फर्स्ट टाइम उठाया था तुमको हाथ के अंदर में, बिल्कुल बस वैसी ही। मेरे बच्चे ने कुछ कर दिया, पता है ये तुम हर बार जब फेल होते हो ना सीए एग्जाम में,
वो ये नहीं सोचते कि फेल हो गया, वो ये नहीं सोचते कि पास कब होगा, वो ये सोचते और भगवान से रोज यही प्रेयर करते, भगवान मेरे बच्चे को तू गिरा, मेरे बच्चे को तू उठा, मेरे बच्चे को तू चला, इसका ना हौसला मत टूटने दे। जरूरी नहीं है ये सीए करे या ना करे, ये जो करना चाहे करे, क्योंकि उनने तुम्हें कभी नहीं रोका, ये जो चाहे करना करने दे, बस इसका हौसला मत टूटने दे, क्योंकि जब तक हौसला नहीं टूटता ना कश्तियां भी ऊपर रहती है। एंड नाउ इमेजिन, तुमने हमेशा से सोच रखा था कि तुम प्रैक्टिस ही करोगे अपने चार दोस्तों के साथ, चार दोस्तों ने थोड़ा थोड़ा फंड मैनेज कर लिया, सीए बन चुके हो तुम, मम्मी ने सबको मिठाई खिलाई, वो बाजू वाली आंटी भी आई, अरे बेटा तू पास हो गया, हाँ मैं तो पास हो गया, तेरे बेटे का रिटर्न भरूंगा, है वो आई, वो आकर के बोल रही, बेटा बढ़िया है बढ़िया, अब तू हमारी फाइल संभाल लेना, रिश्तेदार भी बोल रहे बेटा अब तू ही फाइल संभाल लेना, देगा कोई नहीं पहले बता रहा हूं देगा कोई नहीं, है ना। यहां दुआ भी तब मिलती है जब एक रुपए देते हो, तो दिए बिना मिलता कुछ नहीं, तुम अब इस गेम को समझ चुके हो, तुम फाइनल क्लियर कर चुके हो। अब तुम चार दोस्त मिल करके सोचते हो यार रेंट पे एक ऑफिस लेंगे, तुमने पूरा ऑफिस सेटअप डिसाइड किया कि हम सबके मम्मी पापा को सरप्राइज देंगे, ऑफिस बना लिया, रात भर सारे दोस्त आ गए, बलून्स लगाए, कंप्यूटर सिस्टम लाके रखे, कुछ रेंट पे कुछ ओन ला करके रखा, लाइट वाइट सब, मम्मी पूछ रही क्या कर रहा है तू, किधर जा रहा है, आप बोल रहे बस रुको, आप सबको फोन करके बोलते हो, पापा को बोलते हो कल आपको ऑफिस नहीं जाना, पापा बोलते क्यों, बाप है पता नहीं क्या, हाँ तुमसे बहुत पैसे मिलने वाले हैं शायद, पर बाप है वो हर चीज को टटोलना चाहता है, बोलते ठीक है, मम्मी को बोलते तो कल खाना मत बनाना और अच्छी साड़ी पहनना, मम्मी क्यों मैं अभी अच्छी नहीं पहनी हूँ क्या, अरे यार मम्मी प्लीज, अच्छा कौन सी कलर की पहनूँ, अरे यार मम्मी जो पहनना है पहन लेना पर कुछ अच्छा पहनना, अब पापा को बोलते हो पापा कल कुछ नहीं करना है आपको चलना है, आपने क्रिएट कर दिया सस्पेंस, और पता है प्रॉब्लम क्या है, माँ बाप ना सस्पेंस हैंडल नहीं करते, स्पेशली यू, उन्हें तुम पे पूरा भरोसा है तुम गड़बड़ करोगे। अब मम्मी ना तुम्हारे खास दोस्त को फोन लगा रही, बेटा वो कल कहीं जाना है मेरे को बोल रहा था, नहीं मम्मी वाली टेक्निक, कहीं जाना है मेरे को बोल रहा था, कहाँ कहाँ चलना है अपने को, अब दोस्त भी वही है जो तुम्हारा पार्टनर है, तो बोला आंटी मुझे कुछ भी नहीं पता, पता चलता है बताता हूँ आपको, मम्मी तुमको शाम में अच्छा तुम्हारे पसंद का खाना खिलाती है, बोलती बता ना कल क्या है, ऐसे मतलब फिर मैं उस हिसाब से तैयार हूँ ना, आप बोलते मम्मी आप ना ब्यूटीफुल हो, आप कैसे भी तैयार होके आ जाओ अच्छे ही लगोगे। अगले दिन तुम सुबह पप्पा से पहले उठ के निकल गए, इस बार पप्पा ही शौक है, अरे मेरे से पहले ये कैसे उठ गया, याद रखना अपने आप को तब बड़ा कह लेना जब अपने बाप से पहले उठने की ताकत यू नो हिम्मत कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें गारंटी देता हूं तब तक तुम बड़े नहीं होगे जब तक अपने पप्पा से पहले उठना चालू नहीं करोगे, क्योंकि ये शो करेगा कि अब तुम ज्यादा काम करना चाहते हो उनसे और तुम उनको आराम देना चाहते हो। अगले दिन उठ करके तुम निकल गए, सब पूछ रहे कहाँ है कहाँ है कहाँ है, लगभग 10 बजे का टाइम आप फोन करते हो, हाँ आप रेडी रहो हम लोग आ रहे हैं, ये पूछ ही रहे हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप गाड़ी में बैठाते हो दोनों को, गाड़ी में बैठा करके आप लेके आते हो ऑफिस में, इतने में आपके मामा भी दिख जाते हैं, बड़े पप्पा भी दिख जाते हैं, सब आ जाते हैं, सब पूछ रहे हैं अरे क्या है क्या किसके लिए लेके आए ये लोग यहाँ पे क्यों लेके आए। आप बोलते हो कि यार आप चलो आगे बता रहा हूँ, आपके दोस्त से पूछ रहे जो गाड़ी चला रहा है, अरे है क्या कहाँ लेके जा रहे है, मम्मी इसने शादी तो नहीं कर ली ना, इसका कुछ अफेयर है, ऐसे शादी के लिए लेके जाते, मेरी एक वो बुआ की नानी का लड़का ऐसे ही लेके गया था। आपका दोस्त बोलता है आंटी मुझे भी शक है, दोस्त कमीने होते बहुत, आंटी शक तो मुझे भी है। आप पहुंचते हो आगे, जैसे आप आगे पहुंचे पप्पा मम्मी सब उतरे, इतने में सबको देखा, मामा मामा सब आए हुए, किसी को पता नहीं कल एक दूसरे के साथ हो क्या रहा है, लेकिन इतने में नजर पड़ती है एक बोर्ड पे, व्हाइट कलर का बोर्ड है, ब्लैक कलर से लिखा है तुम्हारा नाम, तुम्हारे पार्टनरशिप फर्म का नाम। इतने में मामा चिल्लाता अरे ये क्या कर दिया,
मम्मी देख रही है, अरे ये कैसे? और पप्पा उतर के आजू बाजू की जगह देख रहे हैं, यू नो सीआईडी एसीबी प्रद्युमन, हाथ ऐसे पीछे करके धीरे से, वो आदमी एकदम सस्पेंस में चल रहा है, यहाँ कितनी सीढ़ियाँ हैं, अच्छा सीढ़ी से मुड़ते राइट में ऑफिस है क्या, अच्छा वहाँ तुम्हारे दोस्तों ने सब तैयारी कर रखी है, बलून लगा रखा है वाइट एंड ब्लू अपने इंस्टीट्यूट को डिनोट करता हुआ, बीच में एक ग्रीन बलून भी लगा रखा है टिक को डिनोट करता हुआ, तुम्हारा नाम तुम्हारे पार्टनर सब साथ में है, ऊपर लेके जाता है, एक रिबन लगी है जिसको मम्मी पापा काटेंगे, मम्मी को तुम आशीर्वाद ले रहे हो, वेरी हैप्पी वेरी हैप्पी, अरे वाह वाह वाह, प्राउड प्राउड प्राउड, ये सब कर लिया कभी बताया नहीं, पप्पा अपने वही, ये कहां से बनवाया बोर्ड, मेरे को पूछ लेता, मेरा एक दोस्त है वो सस्ते में बना के दे देता, बाप वहां खड़े होकर के भी ना ये सोच रहा है कि बच्चे का पैसा बच कैसे जाए, फिर वो रिबन काटने की बेला आती है, तुम अपने दोस्तों को बोलते भाई अंदर से एक फोटो ले ले, भाई प्लीज एक फोटो ले ले अंदर से, इस मोमेंट को ना तुम कैप्चर करना चाहते हो क्योंकि तुमने जीवन भर यही मोमेंट देखा है, इस मोमेंट के लिए मेहनत कर रहे थे, इसको कहते हैं हम गोल, डिग्री इज नॉट द गोल, टू हैव योर पेरेंट्स टू हैव यू द ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इज द गोल। अब मम्मी कैंची लेके खड़ी हो जाती है, पापा बोलते हैं हाँ हाँ चल चालू कर आगे बढ़, आप बोलते नहीं नहीं पापा आप भी आओ आप भी आओ, मम्मा नहीं करना करना नहीं नहीं, मम्मी इतने में यू नो वो शेरनी वाली होती है ना मम्मी, आओ ना यार बच्चा बोल रहा है, इतना बड़ा दिन है तुमको समझ में नहीं आ रहा, खड़े हो चुपचाप यहाँ पे, असली शेर हमें पता है ना घर का कौन है वो तो बोलते नहीं। अब मम्मी पापा ने मिल करके कैंची काटा, मम्मी तो तुरंत भागते भागते अंदर चले गई, पापा वही ऑब्जर्व करे जा रहे हैं, चेयर लाइए, नहीं है चेयर, ओएलएक्स, कंप्यूटर देख रहे हैं, डेक्स खोल के देख रहे हैं डेक्स में क्या है, एक डेक्स में दोस्त ने माचिस भी रखी हुई है, ये माचिस यहाँ क्या कर रही, दोस्त अंकल अगरबत्ती अगरबत्ती अगर अगरबत्ती भी तो लगानी है ना। अब केबिन के तरफ बड़े, केबिन में तुम्हारा नाम लिखा है, प्लीज एक बार उस केबिन को इमेजिन कीजिए, कांच का गेट है फ्रॉस्ट ग्लास के साथ, तुम्हारा नाम लिखा है बाहर, देख पा रहे हो क्या, आवाज नहीं आई, देख पा रहे हो क्या, सपना तुम्हारा है मेरा नहीं, मेरा बुढ़ मत देख लेना सपना गलत हो जाएगा। तुमने गेट खोला, मम्मी को अंदर बुलाया, पप्पा को अंदर बुलाया, पप्पा बुला करके मम्मी को तुमने बुला, लाओ आओ मम्मी बैठो, मम्मी उधर खड़ी हो गई, भगवान को हाथ जोड़ने लगे, पप्पा है, पप्पा बोले आओ पप्पा बैठो, पप्पा बोले नहीं नहीं वो तो सीए साहब की चेयर है, वो तो तेरी चेयर है ना, सीए की चेयर है वो, अरे पप्पा आओ ना आप ही के लिए तो है, नहीं 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 तू बैठ उधर उधर बैठ, तू मैं फोटो लेता हूँ तेरे, एक फोटो, तो अपने मम्मी पप्पा से फोन संभलता नहीं है, बस कैमरा चलाना आता है, बड़े क्यूट लोग हैं यार। फिर मम्मी चिल्लाती, जाओ ना जाके बैठो ना, तुम्हारे को बोल रहा है बच्चा समझ नहीं आ रहा, तुमको नहीं बैठना, मैं तो जाऊंगी, मैंने इसको ये पढ़ाया था, बैठ गई चेयर के साथ झूल रही है, यू नो एनी अमाउंट ऑफ मनी कैन नॉट बाय द एक्सप्रेशन योर मॉम एंड डैड राइट नाउ हैज, एनी अमाउंट ऑफ मनी अगर तुम ये सोचते हो तुम एक करोड़ कमा लोगे, दो करोड़ कमा लोगे, मैं तुम्हारे को गारंटी से बोलता हूँ, इधर ये फर्स्ट रो में जितने लोग बैठे हैं ना, ये सब समझते हैं कि ये फिगर बहुत छोटा है, ये फिगर बहुत छोटा है। तुमको अगर कुछ कमाना है ना, तो वो एक्सप्रेशन कमाना है जो वहाँ है। ये एक एक्सप्रेशन को इमेजिन कीजिए कि तुम अपने मॉम डैड को पहली बार दुबई लेके जा रहे हो, अलग लेवल। अब पूरे प्रोसेस से वापस पीछे आ जाइए, अब तुम कहाँ हो, तुम यहां बैठे हो, इस मोमेंट को देख रहे हो आगे के लिए। क्या है ना, कई बार कहीं पहुंचने के लिए पहले गूगल मैप लगाना पड़ता है, बस तुम यही कर रहे थे कि गूगल मैप नहीं लगा रहे थे, जाना कहाँ है ये तो पता था,
क्या पता एक से ज्यादा रास्ता भी हो सकता है गूगल मैप के तरीके से, जिसमें सिमिलर एस्टिमेटेड टाइम हो और तुम उसको देख ही नहीं रहे हो। तो बस फोकस करो यार, कुछ भी नहीं है। नाउ रब योर हैंड, इस बात को कहो जरूर करेंगे, पुट इट इन योर आईज, धीरे से ओपन करो, इमेजिन योर सेल्फ। यहां तुम कमिट करो अपने आप से, यहां तुम एक साल बाद, डेढ़ साल बाद, दो साल बाद, ढाई साल बाद खड़े रहोगे, और यहीं यहां पे ही खड़े रह के या तो एज अ CCM आगे वाले बच्चों को कम्युनिकेट करोगे, या तो एज अ मेंबर कम्युनिकेट करोगे, या तो एज अ चेयरमैन टू BOS कम्युनिकेट करोगे। तो आपने देखा यहां पे जितने भी लोग खड़े थे, ये जिस लेवल पे है, आज से 10 साल पीछे यही होगा, बस पलटने की जरूरत थी। तुमको पता है एक ही रास्ता है, क्या पता गूगल मैप दूसरा रास्ता भी बता दे, आज वही रास्ता है, मैं तुम्हें बस एक दूसरा रास्ता बता रहा हूं, अलग नहीं कर रहा हूं। तो बस आप सभी से एक विनती है, तुम्हें मेरे लिए कुछ नहीं करना, तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं करना, तुम्हें करना है उसके लिए। किसके लिए करना है? उस पेरेंट के लिए करना है जिसने तुम्हें देखा है। एंड मैं तुम्हें फिर एक बार कह देता हूं, द वन हु इज द क्रिएटर इज द गॉड। अपन ने भगवान को नहीं देखा, पर जिसने हमें बनाया वो तो अपना भगवान है। नो डाउट आपका थॉट उनसे मैच नहीं कर सकता होगा, करेगा भी नहीं, क्योंकि उनने आगे का प्रोसेस देख लिया जो तुमने नहीं देखा। पर द वन हु इज पेरेंट इज अ गॉड यार। मेहनत करनी है उस आदमी के लिए करो और काम खत्म करो। मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, जितना करो दिल से करो, जिस प्रोफेशन में हो दिल से। मैं आपको मेरा ही पर्सनल बताता हूं, मेरा पर्सनल एग्जांपल ये है कि मैं CA बनने के बाद टीचिंग में आना चाह रहा था, तो मेरे भैया जो दो बड़े भैया है मेरे को बैंकिंग में है, वो बोलते यार बैंकिंग इतना अच्छा सेक्टर है, हमारे यहाँ CA को यू नो 70,000 रुपये महीना मिल रहा है, 80,000 रुपये महीना मिल रहा है फ्रेशर को। और मैं पढ़ाना चाहता था, मेरे को हमेशा से पता था मेरे को एक चीज़ आती है, वो है बोलना। और जिस चीज़ को करना आता हो ना, उस चीज़ को तगड़े से करिए, बिकॉज एनीथिंग ऑन विच यू फोकस ग्रोज। अगर तुम कॉमर्स में ना के साइंस में भी जाते तो उसके हो जाते। एनीथिंग ऑन विच यू फोकस ग्रोज इज अ सिंपल थिंग। पहले दो साल ढाई साल बड़ा स्ट्रगल वाला रहा, क्योंकि टीचिंग में पहले 3-4 साल सिर्फ देना होता है, लेना नहीं। उसके बाद बच्चों का प्यार मिलना चालू हुआ, सारी चीजें चालू हुई। आज 10 साल बाद का सिचुएशन ये है, मेरे भैया मेरे पप्पा ये मेरे को बोल चुके हैं लेजिट एक्सप्रेसिवली, यू आर राइट एंड आई वॉज रॉन्ग। पैशन को थोड़ा सा फॉलो करो, तुम्हारा दिल कहीं पे भी लग रहा हो, तुम्हारा दिल कहीं पे भी लग रहा हो, उस चीज के अंदर में ना अपनी जान भी लगा दो और अनटायरिंग मेहनत करो। मैं बहुत बार कहता हूं मैं घड़ी पहनता तो हूं लेकिन इसका यूज कुछ नहीं है। पूछो क्यों? कितने घंटे होते हैं एक दिन में? कितने घंटे होते हैं? घड़ी 12 ही दिखाएगी और घुमाते रहेगी, घड़ी 12 ही दिखाएगी घुमाते रहेगी। अनटायरिंग वर्क कर। तेरे को ऐसा लगता है कि 11 बजे तेरे को नींद आ रही है, उठ 5 मिनट घूम, सिर्फ अपने आप को 5 मिनट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दे, 5 मिनट और एक्स्ट्रा, 5 मिनट और एक्स्ट्रा। नींद आ रही है, अरे कोई बात नहीं यार, 5 मिनट और एक्स्ट्रा, बस तेरा काम हो जाएगा, तेरे को और कुछ चीजों की जरूरत नहीं है। एंड में तेरे को बस 5 चीजें करनी है। पहला, यू नीड टू प्रैक्टिस, टाइम बाउंड लिखना जरूरी है। तीसरी चीज, टाइम बाउंड लिखना है तेरे को, नहीं तो तू प्रॉब्लम तो सॉल्व करेगा पर वो कंप्लीट नहीं होगा, तेरे को लगेगा तूने प्रैक्टिस की, वो प्रैक्टिस कोई काम की नहीं, बिकॉज समय निकलने के बाद उस समय को रोने से कोई फायदा नहीं, तो तेरे को उस टाइम में ही करना है। चौथी चीज, रिलैक्स टू रिकॉल। पेपर बहुत ज्यादा आ जाए, बहुत कम आ जाए, शांत हो जाओ। शांत मन जितना होगा ना, उतना ही तुम स्पीडली काम कर पाओगे। याद रखिएगा, लड़ना खुद से ही पड़ता है और अपनों से ही पड़ता है। अगर हम हमारे लिखे हुए पुराणों को देखें, महाभारत को समझें, जब युद्ध भूमि में गए, कृष्ण जी ने अर्जुन से लड़ने से पहले समझाया, पहले तुम शांत हो जाओ, पहले शांत किया। और शांत करने के बाद उन्होंने ये समझाया, बेटा देख, लड़ना तो अपनों से ही है, तो आगे कौन है ये छोड़ दो, लड़ना अपने से ही है। समझ में आ रही है? खुद से लड़ना है पहले तो। वो कहा जाता ना, रणभूमि में लड़ने से पहले मनोभूमि में लड़ना जरूरी है।
तो पहले ना अगर फेल हो गए हो तो खुद को कोसना बंद करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लो कि मैं भी पास होऊंगा। तो फेल हो गए इट्स ओके, और डरना मत तुम, यू नो, किसी से बात करना बंद कर देते, कहीं जाना बंद कर देते, कुछ करना बंद कर देते, अबे क्या होगा इससे? तुमने कौन सा गलत काम किया है जो मुंह छुपा के घूम रहे हो? फेल हुए हो ना, लाइफ तो खत्म नहीं हुआ, फेल हुए हो ना, अपॉर्चुनिटी तो खत्म नहीं हुई। हर रात के बाद आ ही रहा है ना, हर रात के बाद सुबह भी तो आ ही रहा है, और रोज रात भी तो इसी उम्मीद में सो रहे हो कि कल सुबह ये काम कर लेंगे, कल सुबह आने वाला है, देखा है क्या? नहीं देखा ना, तो फिर करो ना यार, और जितना है दम लगा लो, क्योंकि मेरी बात समझ, लगभग हम 70 तक के जीने वाले हैं एवरेजली, हाँ या हाँ, 70 तक जीने वाले हैं, जिसमें से 21 वेस्ट कर दी, 20-21 हमने ऑलरेडी वेस्ट कर दिया, ले देखे बचाए 40-50, फाड़ के जी, जो दिल में आए वो कर, और एक बात याद रख, तबियत से कर, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, करो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। करना यार, एक लाइफ मिली। अच्छा मेरे को एक बात बता, कल चल के तेरे को सांप बना दिया, भाई क्रिएटर तो कोई और है ना, कल चल के तेरे को सांप बना दिया, बिच्छू बना दिया, है ना, क्या कर लेगा तू? एक लाइफ मिली है अपने हिसाब से, तू जी एक लाइफ मिली है, वो भी किसी और के हिसाब से जी रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है कि इससे CA नहीं हो रहा, एक काम करो MBA करवा लो, एक काम करो ये करवा लो वो करवा लो। अबे एक लाइफ मिली है, जीना यार, अपने मर्जी का कर, उसमें क्या है? और याद रख, तू ना कई लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट कर रहा है, अगर तू मिडिल क्लास फैमिली से आता है तो तू कई लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट कर रहा है, उनको ये सपना दिखा रहा है कि लाइफ ऐसी भी हो सकती है, और मैक्सिमम लोग तेरे को देख करके जी रहे हैं, तेरे तरीके से जीना चाह रहे हैं, तो अपना एक एग्जाम्पल तो बना, समझ में आ रही बात? तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस बात को सुनने के लिए। मैं देख सकता था यहाँ से मंच पे खड़े रह करके कि बहुत लोगों के आँख से अचानक से आंसू आ गए, आई एम वेरी सॉरी, बट एज अ फ्रेंड, एज अ बड़ा भाई, मुझे लगता है ये किसी की तो जिम्मेदारी होनी जरूर चाहिए कि आपको सही टाइम पे ये बताया जाए कि करना क्या है, सही है कि नहीं है, राइट? नाम रोशन करोगे, कुछ नहीं है ऐसा, कुछ नहीं है तुम अचीव नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं है, आज नहीं होगा 10 साल बाद होगा, आज नहीं होगा 10 साल बाद होगा, कभी और होगा, और मेरे जैसे फेलियर को देख करके बस इतना तो समझ सकते हो कि बहुत स्कोप है, कन्फर्म स्कोप है। जिस टाइम इस इंस्टीट्यूट से पास हुआ, आज वहां पे स्पीकर बोल के भी खड़ा हूं, है ना? तो लेट मिलेगा, पर मिलेगा जरूर, याद रखो, क्योंकि जब तुम्हारा प्लान वर्क नहीं कर रहा ना, तो किसी का प्लान तो वर्क कर ही रहा है। अब चाहे तुम इसको अल्लाह के नाम से बुलाओ, खुदा के नाम से बुलाओ, भगवान के नाम से बुलाओ, कि किसी को भी नाम से बुलाओ, देयर इज एनर्जी टू वर्क कर रही है, क्योंकि तुम्हारा प्लान वर्क नहीं कर रहा। तो जस्ट चेंज द रोड, लुक एट टू द गूगल मैप, लिव योर ड्रीम्स एंड जस्ट लुक कि तुमको चाहिए क्या, बनना क्या है, इट्स नॉट द गोल, चाहिए क्या इज द गोल, चाहिए वो चाहिए, खत्म काम। अंत में आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद मेरे को शांति से सुनने के लिए। सिकासा छत्तीसगढ़ रायपुर का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए, भिलाई ब्रांच का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए, होल छत्तीसगढ़ टीम। हर बार यहाँ आना चाहूँगा क्योंकि कनेक्शन भी है यहाँ से, हर बार यहाँ पे आना चाहूँगा, यहाँ रुकना चाहूँगा, आप लोगों से बात करना चाहूँगा, समय सबके लिए और भी प्रोग्राम्स है तो हमें वो करना चाहिए। एंड थैंक यू फॉर बीइंग द लवली ऑडियंस। आप लोगों से बस एक ड्रीम चाहिए मेरे को कि हम जो भी करेंगे बेहतरीन करेंगे, क्या बोलो एक बार जोर से, हम जो भी करेंगे बेहतरीन करेंगे, जो भी करेंगे बेहतरीन करेंगे, खत्म का, यस और नो, बस थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।